9%, असम में 45.12%, बिहार में 32.41%, छत्तीसगढ़ में 42.57%, छत्तीसगढ़ में मात्र एक सीट पे बस्तर में मतदान, जम्मू कश्मीर में भी मात्र एक सीट उधमपुर की सीट, वहां 43.11%, लक्षद्वीप में भी मात्र एक सीट है और 29.91% मतदान, फिर मध्य प्रदेश में 44.43%, महाराष्ट्र में 32.36%, मणिपुर में 46.92%, मणिपुर की दो सीटें इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर और दोनों में मतदान है और 46.92%, मेघालय में 48.91% और मिजोरम में 40.37%, नागालैंड में 44.43%, पुदुचेरी में 44.95%, राजस्थान में थोड़ा कम है और उम्मीद है कि आगे बढ़े, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है उस एरिया में, 33.73% राजस्थान, सिक्किम में 36.82%, सिक्किम का जहां तक जिक्र आ रहा है दोस्तों तो आज सिक्किम में विधानसभा का चुनाव भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पैरेलली दोनों मतदान दोनों के लिए हो रहे हैं, तमिलनाडु 39.51%, और त्रिपुरा में 53.04%, त्रिपुरा ऐसे भी सबसे आगे रहता है, आप जानते हैं 90% तक 95% तक भी वोटिंग हो जाती है कई बार, उत्तर प्रदेश 36.96% और उत्तराखंड 37.33%, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पूरे यानी पांच की पांचों सीट पे मतदान हो रहे हैं और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि 10 राज्य ऐसे हैं जो उसमें केंद्र शासित भी हैं जो आज पूरे हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे वहां मतदान, और वेस्ट बंगाल 50.96%, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल और पहले नंबर पर त्रिपुरा, तो ये अभी तक 1 बजे तक की पोलिंग, लेकिन उसके अलावा मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है जरा आना चाहता हूं बुशरा जी के पास, मणिपुर से कुछ क्या कुछ बड़ी खबर है, क्या कुछ है जरा आप बताइए बुशरा जी। जी राजीव जी, मणिपुर से लगातार सुबह से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं और अभी जो है मणिपुर से जो खबर आ रही है उसमें एक पोलिंग जो बूथ है उसमें हथियारों से लैस जो उपद्रवी है वो घुस गए हैं और फर्जी वोटिंग उन्होंने वहां पर करवाई है, ईवीएम तोड़ी गई है और 3 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि किस तरह की परिस्थितियां हैं मणिपुर में और इन परिस्थितियों में ये वोटिंग कराई जा रही है और लगातार सुबह से इस तरह की खबरें मणिपुर से जुड़ी आ रही हैं कि पोलिंग बूथ पर हथियार से लैस जो है उपद्रवी अगर घुसे हैं तो स्थिति आप देखिए, सिक्योरिटी की स्थिति कैसी होगी वहां पर, फर्जी वोट अगर डलवाए जा रहे हैं वहां पर, ईवीएम तोड़ी जा रही है और इस सबके बीच 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और ऐसे में ये चुनाव कराए जा रहे हैं और उस पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि राइट टाइम इंटरवेंशन से स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। हाल हम लोगों से बेहतर और कौन बता सकता है, वहां सब कुछ देख करके हम आए और वहां पर मणिपुर 2 भाग में बंट चुका है, एक कुकी और दूसरा मैतेई, और इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रुकवाने की कोशिश अभी तक नहीं हो पाई, जो भी कोशिश हुई वो नाकाम हुई और मोदी जी के दावे, उनकी सरकार के दावे अपनी जगह पे है लेकिन सच्चाई जो है वो कुछ और है। आप मैतेई एरिया से अगर कुकी एरिया में जाते हैं तो आप अगर जिस भी गाड़ी में है उस एरिया के लोग उसमें सर्च करते हैं और अगर रात का वक्त है तो सारे जितने भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं पुलिस चौकियां जो लगी हुई हैं वहां पुलिस के लोग नहीं बल्कि इस समुदाय के लोग, दोनों में से जिस एरिया में गए उस समुदाय के लोग वहां दूसरे समुदाय के लोगों को खोजते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नागालैंड की तरफ, तो एक जो ग्रेटर नागालैंड की मांग चल रही है जिसमें मणिपुर का भी कुछ एरिया है, वहां नगा लोग जो हैं वो यही करते हुए नजर आते हैं, तो एक बहुत ही ये सेंसिटिव एरिया में तब्दील हो चुका है मणिपुर और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और लेकिन वोट के लिए कुछ भी चलेगा और बीजेपी तो कर ही रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इधर उत्तर प्रदेश आना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि ठाकुरों की सभा हुई यानी क्षत्रिय महासभा हुई और मेरठ में खासकर हुई थी अभी 2 दिन पहले 16 तारीख को मेरठ के खेड़ा में, और वहां पर जो बातें आई वो ये कहा गया कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार के बाद क्या आज बहिष्कार हो रहा है या जो वहां के क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं, जरा अमलेंदु जी से समझना चाहता हूं। अमलेंदु जी, ठाकुरों की महासभा, ठाकुर 84 शायद या 24 है, 24 है ठाकुर, 24 ठाकुर 24 में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, कितने वोटर निकल के आ चुके हैं अभी तक, क्या खबर है अभी 2:05, जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पे। राजीव जी, ठाकुर 24 में जो हुई थी ये महासभा,
और उसमें जो लोटा कसम खिलवाई गई थी, उस लोटा नमक जो की कसम जो होती है वो लोटा और नमक बिल्कुल, हाँ, तो उसकी उसका असर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सारे बूथ जो है वो खाली पड़े हुए हैं और एक तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल जो है वो 0% के आसपास जो है वो 1 बजे तक मतदान हुआ है। बताया जा रहा है कि 1100 का बूथ है उस पर कुल 100 वोट पड़े हैं, तो उसमें अब ये जाहिर सी बात है कि 100 जो वोट पड़े होंगे वो क्षत्रियों के नहीं होंगे, और भी कुछ जातियाँ होंगी उनके वो वोट पड़ गए होंगे। कुल मिला के राजीव जी ये समझा सकता है कि क्षत्रियों ने जो कसम खाई थी वो क्षत्रियों ने वो कसम एक तरीके से अपनी पूरी कर दी है। कल ही राजीव जी एक वीडियो वायरल हो रहा था जो अरुण गोविल हैं वहाँ से मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सीरियल वाले राम वो बता रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो चौहान हैं और अलीगढ़ की रहने वाली हैं, और वो भी उनसे कभी नाराज हो जाती हैं तो फिर वो जो है वो उस नाराजगी को दूर करने के लिए ठाकुराइन को मना लेते हैं, तो हम जो है अब भी ठाकुरों को मना लेंगे। लेकिन ठाकुरों ने जो कसम खाई राजीव जी, जो लोटा नमक की कसम खाई, वो असर दिखा रही है। और रघुकुल कहावत जो है वो रघुकुल प्रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन जो है वो ये है कि हमको लोटा और नमक की हमने कसम खाई और अब हम वोट नहीं देंगे। और ये साफ दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे साथी बता रहे हैं अमलिंदु उपाध्याय जी, 1 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं इस ठाकुर चौबीसी में, और वहां पर एक बूथ जिसमें 1100 वोट हैं, और ऐसे लगभग 1100-1200 वोट वाले बूथ होते हैं अमूमन ऐसे एरिया में, और यहां पर अगर 100 वोट भी नहीं पड़े हैं अभी तक 2 बजे तक, तो आप समझ सकते हैं कि इस बहिष्कार का, चुनाव के बहिष्कार का असर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से गुजारिश यही है कि आप वोट देने जाइए, बहिष्कार मत कीजिए। आपको अगर कोई कैंडिडेट पसंद ना आए तो दूसरे को दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए, और नहीं तो आपके पास नोटा का इस्तेमाल करने के लिए भी एक बटन तो है ही, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने जाइए। आपकी उंगली पर वो निशान होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आपने इस लोक पर्व में हिस्सा लिया है, इस लोक पर्व को आपने भी एंजॉय किया है। आज एंजॉय करने का दिन है, एंजॉय कीजिए। सरकार 5 साल तक आपके वोट पे एंजॉय करती है और आपको पहचानती तक नहीं है, ये भी उम्मीद करें कि आने वाले समय में हमको आपको सरकार पहचान पाए। हमारे साथ और हमारे एक साथी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु साहब। जगदीप सिंधु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और पहली बार शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। आपके पास आऊं लेकिन उनसे पहले जरा प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, 2 चीजें आप तक हम पहुंचा चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं, और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और ये वीडियो जो है वो है इकरा हसन का, जो कैराना से कैंडिडेट है और काफी सुर्खियां बटोर रही हैं इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इकरा हसन वोट डालने के समय क्या कुछ कह रही हैं लोगों से, मीडिया से चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं, फिर सीधे आएंगे जगदीप सिंधु साहब के पास में। मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने आज मतदान किया है? मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का, डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन खराब, आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है, 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है, और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है, मौसम गर्म बहुत है आज, और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है, और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल, की है हमने, जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है, और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है, और कई कई पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है, और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन
इन्हें सॉल्व रसूलपुर में जो है ना बहिष्कार किया गया है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। तो आप सुन रहे थे इकरा हसन, ये कैराना से चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की टिकट पर, इंडिया गठबंधन के सपोर्ट, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, आप समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और जो बातें यहाँ कह रही हैं जो अमूमन ऐसी चीज़ें चुनाव वाले दिन सुनने को मिलती हैं, और ख़ासकर इस एरिया में चाहे रामपुर हो चाहे कैराना हो सहारनपुर हो, इन सब एरिया में मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको परेशान करने की खबरें लगातार पिछले दिनों कई अलग अलग चुनावों में भी सुनने को मिली हैं और आज भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं, और इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की ईवीएम की खराबी की भी बहुत जगह, खासकर इन 8 सीटों पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी भी खबरें आई हैं। थोड़ा इन सबसे अलग हटें और चलें अगर उधर हरियाणा में आज चुनाव नहीं है लेकिन राजस्थान में ज़रूर चुनाव है, और राजस्थान के चुनावों का सूरत हाल भी समझना चाहेंगे सिंधु साहब से, और साथ साथ पूरे देश में जो चुनाव का माहौल है और इस माहौल पे इनके पास क्या कुछ खबर है ये भी समझें। लेकिन ज़रा राजस्थान से ही शुरू करना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप, क्या आज की तारीख में इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों यानी एनडीए इन दोनों के बीच टक्कर दिखाई देती है? क्या ईवीएम पर जो भरोसा कायम करने की बात होती रही और अभी एक फैसला आना बाकी है उससे उसी बीच यानी कि एक केस, चुनौतियां, दलील और इन सब के बीच आज चुनाव का दिन, और इस चुनाव के दिन मतदाताओं का मिजाज क्या कुछ कहता है, ये सारी चीजें आपसे समझना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, आज पहले फेज के चुनाव को सिंधु साहब, और साथ साथ यहां से क्या आपको लगता है कि जो राजस्थान का पार्ट है या उत्तर प्रदेश का पार्ट, ये दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं 80 सीटें उसमें मैक्सिमम पर कब्जा रहा है बीजेपी का, और उधर राजस्थान में भी लगभग सब पे कब्जा रहा है, 24 सीटें पिछली दफा आई थी बीजेपी के पास, और हनुमान बेनीवाल की सीट जो थी वो भी बीजेपी के पास ही थी क्योंकि वो उनको समर्थन दिए हुए थे, इस बार बाहर हैं, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों राज्यों को? बात कर लेते हैं राजीव जी, और राजस्थान में आज पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और इन 12 सीटों में जो राजस्थान की स्थिति अभी तक के चुनाव में आ रही है, गंगानगर की सीट पे ज्यादा वोटिंग हुई है लगभग 41% के करीब, और झुंझुनू और सीकर में वोटिंग कम हुई है, उसी तरह थोड़ी सी ठीक चुरू में है। कुल मिला के जो वोटों के रुझान हैं और जो लोगों के रुझान हैं, जो मेरी जानकारियां आ रही हैं उनमें समझ ये आ रहा है कि अब के इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये दिखाई देने लगी है कि चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पे आके टिक गया है, और चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, और जिस तरह से जो बड़े वायदे और बड़ी बातें या केंद्रीयकृत चुनाव को करने की कोशिश की गई थी वो अभी तक सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात अगर करें तो इसमें जो मतदाता हैं शेखावटी में, गंगानगर वाले इलाके में और राजस्थान में, उनमें एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। जहां तक जाट बहुल क्षेत्रों की बात है और जाट जाति जातीय समीकरण की बात करें तो जाट जाति के ज्यादातर वोटर कांग्रेस की तरफ झुकाव दिख रहा है, मुस्लिम वोटर्स का भी कांग्रेस को एक तरफा झुकाव जा रहा है, और उसके अलावा एक बिग सरप्राइज जो है वो इस एरिया में दिखाई दे रहा है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोटर है वो भी कांग्रेस के बूथों की तरफ बढ़ने लगा है। तो ये एक रिमार्केबल ऐसी चीज दिखाई देने लगी है इस पूरे पहले चरण के चुनाव में पूरे राजस्थान में। और राजस्थान के चुनाव की अगर बात करें तो पूर्व आंकलन में ये स्पष्ट हो रहा था कि राजस्थान की लगभग 7 सीटें वो कांग्रेस वहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रही है, वो आज के चुनाव के जो मतदान है उसमें कुछ कुछ साफ उभरने लगा है कि किस प्रकार मतदाताओं में उत्साह है,
बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता है उसके मतदाता है उनमें उत्साह की कुछ कमी है, ऐसी भी कुछ संकेत कहीं से आए हैं। उसमें नागौर का इलाका भी है, उसमें झुंझुनू का इलाका भी है, उसमें दौसा का इलाका भी है ना। तो ये कुल मिला के जो पूरा चुनाव अभी पहले चरण का है राजस्थान की अगर देखें तो वहां परिस्थितियां इस प्रकार से दिखाई देने लगी हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें अभी पहले चरण में गई हैं तो इनमें अगर कैराना की बात करें और सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो इन सीटों पे स्पष्ट तौर पे एक झुकाव जो है वो दिखने लगा है। और इसमें जो गठबंधन है कांग्रेस गठबंधन सपा के साथ उसको कहीं इन इलाकों में बढ़त का आकलन आ रहा है, बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। जहां तक दूसरी सीटों की बात करें तो उसमें पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और नगीना की सीट जो है वहां की सीटों में, नगीना में चंद्रशेखर के समर्थन में दलित वोट और मुस्लिम वोट लामबंद हो रहा है ऐसा संकेत है। और रामपुर में भी अभी कहना मुश्किल है लेकिन वहां चुनाव फंसा हुआ है ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है। हाँ, जो जतिन प्रसाद पीलीभीत में है वहां कुछ एज पे दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जो ये एक मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है ये उस सारे चुनाव को जो जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि ये चुनाव एक तरफा होने जा रहा है ऐसा नहीं है, धरातल की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। और ऐसा समझ आ रहा है कि जो 400 पार का नारा सत्ताधारी पार्टी ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, ये नारा इसको एक सामाजिक वर्ग में जो दलित वर्ग है उसने कुछ अपने ढंग से इसको इंटरप्रेट किया, जो शायद ये नारा जो शायद एक तरह से उनमें भय का वातावरण पैदा कर रहा था और उसको देखते हुए उनकी जो इंटरप्रिटेशन रही है वो शायद इस प्रकार है कि उनके अधिकारों पे आने वाले समय में कोई कटौती हो सकती है, कोई अंकुश या नियंत्रण लग सकता है। इसलिए लगता है कि जो अनुसूचित जाति और दलित वर्ग है वो चौकन्ना हो गया है इस नारे के बाद, उसका जो रुझान है जी जी बिल्कुल। सिंधु साहब बहुत सारी बातें आपसे और करनी है, आप बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज आज से हो गया, मतदान कई आज जो फर्स्ट फेजिंग की वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है। और यहाँ एक नहीं बल्कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। और कौन कौन से राज्य हैं आप हमारे स्क्रीन पे बिल्कुल बाईं तरफ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, बिहार की 4 सीटें, राजस्थान की 6 सीटें, ऐसे इसके अलावा आपको बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, अंडमान निकोबार की 1 सीट, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 सीट, और फिर मध्य प्रदेश की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 5 सीट, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, और इसके अलावा पुदुचेरी की 1 सीट, राजस्थान की 12 सीटें। ये 12 सीटें राजस्थान की गंगा श्री गंगानगर है, बीकानेर है, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर, उसके अलावा अलवर है, भरतपुर है, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, ये 12 सीटें राजस्थान की, सिक्किम की 1, और सिक्किम में आज विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है, और त्रिपुरा की 1 सीट, त्रिपुरा पश्चिम, और तमिलनाडु की पूरे 39 सीटें। दक्षिण भारत का ये एक ऐसा राज्य जहां पूरी की पूरी 39 सीटों पे आज मतदान, यानी पहले फेज में ही तमिलनाडु का चुनाव समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु ही नहीं, ऐसे कई राज्य हैं जिसका चुनाव समाप्त हो जाएगा, जिसमें उत्तराखंड भी है जहां की 5 सीटें, वहां पे भी समाप्त हो रहा है आज मतदान। और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, कैराना से जो सांसद हैं, सांसद बनने वाली उसके लिए लड़ रही हैं
बुशरा इकरा हसन, उनको अभी आपने सुना। और तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर, ये 8 सीटें उत्तर प्रदेश की। और पश्चिम बंगाल में जो उत्तरी भाग है, उत्तरी पश्चिम बंगाल जो है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पश्चिम बंगाल, उसकी 3 सीटें। पश्चिम बंगाल में भी आप जानते हैं कि 7 चरणों में मतदान होना है। टोटल पश्चिम बंगाल में सीटें 42 हैं और इनमें 7 चरणों में मतदान बिहार की तरह ही होना है। 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है। और बिहार की 4 सीटें, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें। ये इस पे आज पहले फेज में मतदान, पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। और जबरदस्त पोलिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, जबरदस्त पोलिंग हो रही है त्रिपुरा में। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है वो तमिलनाडु है, 39 सीटें और जबरदस्त पोलिंग वहां भी दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में। और तमिलनाडु को लेकर लगातार जितने भी सर्वे आए हैं, कई सर्वे जो बताए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे सीटें जो बहुत सारी दी जा रही हैं इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट एनडीए को, उन सीटों पर कईयों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी सब कुछ जितने भी पोल आए हैं वो दक्षिण के इस तमिलनाडु और दूसरा राज्य केरल, इन दोनों राज्यों में 100% सीटें दे रहे हैं। तमाम जितने सर्वे आए हैं वो इंडिया गठबंधन को। और तो ये दक्षिण का तमिलनाडु, 39 सीटों वाला राज्य जहां पूरी की पूरी सीटों पे मतदान। तो और मतदान का प्रतिशत कितना किस राज्य में है ये आप देख रहे हैं। ऊपर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि इस लोक पर्व 2024 के पहले चरण के मतदान के पहले लोकसभा का चुनाव जो 2019 में हुआ था, उसमें इन 102 सीटों पर जो आज जहां पर मतदान हो रहे हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें आई थी। बीजेपी को उस समय 102 में से 40 सीटें आई थी, नंबर वन की पार्टी उस समय थी इन 102 में। और डीएमके को 24, डीएमके जो है वो वही दक्षिण का तमिलनाडु और वहां उन्हीं की सरकार, साझा सरकार है, कांग्रेस उसमें सरकार में साझेदार है, तो 24 सीटें उनके पास और 15 सीटें कांग्रेस के पास थी फर्स्ट फेज में और 23 सीटें अदर्स के पास गई थी। ये जो फिगर है 102 सीटों का, ये अब क्या इसको बरकरार रख पाएंगे, इसको आगे बढ़ा पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम। लेकिन एक बात और भी दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन के बाएं दाहिने साइड में, जिसमें है कि दांव पर किन किन मंत्रियों के की साख। लगभग 9 मंत्री ऐसे हैं और एक उपराज्यपाल जिनकी साख जो है दांव पे है। और इसमें आप लगातार अर्जुन राम मेघवाल को देख रहे हैं, बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं, नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, नागपुर से संजीव बलियान, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव बलियान के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस बार घिर चुके हैं। निशित प्रमाणिक जो हैं कूच बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री हैं। और जितेंद्र सिंह जो हैं वो उधमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और सर्बानंद सोनोवाल, इसी उधमपुर का जिक्र आते ही जरा एक ख्याल आ गया कि उधमपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बाबा रामदेव साहब के बारे में कह दिया था कि वो वहीं पैदा हुए थे, कश्मीर में पैदा हुए थे, जबकि वो पैदा कश्मीर में नहीं बल्कि इधर राजस्थान के कश्मीर में पैदा हुए थे। और उन्होंने बता दिया था कि कश्मीर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कुछ गड़बड़ियां ऐसे करते हैं इतिहास में जाने से पहले, कुछ शोधपरक बातें। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी मंत्री हैं आप जानते हैं। और अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से। ये 9 मंत्रियों का जिक्र यहां हम लगातार कर रहे हैं और इसमें से कई मंत्री फंसे हुए नजर आते हैं। प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, आप बने हुए हैं लगातार और निगाहें आपकी टिकी हुई है उत्तर प्रदेश में। हम ठाकुर चौबीसी की बात कर रहे थे और लोटा और नमक की कसम खाकर, यानी पानी और नमक कहें, लोटा का मतलब पानी, उसमें पानी और नमक, इसकी कसम खा के, जो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, पानी भी उपयोगी है, नमक भी उपयोगी है, भोजन के लिए नमक की ज़रूरत है, पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, जीवन यापन के लिए वो पानी की भी बहुत ज़रूरत है। और इन दोनों की कसम खाकर अगर कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं देना है, इस बार वोट का बहिष्कार करना है, और वो भी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और ये एक माना जाता है
कि जितने भी क्षत्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर चाहे उधर हम गुजरात में देखें, राजस्थान में देखें, ये मोर और लेस बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के खिलाफ ये माहौल क्यों बन गया है, कैसे बन गया है और इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? दोस्तों, ईवीएम की भी हम बात करेंगे, आप बने रहिए। ईवीएम में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों के बीच कैसे चुनाव हो रहा है इस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन जरा ये ठाकुर 24 ही समझें, क्षत्रिय महासभा को समझें और इनका असर कितना पड़ सकता है आज के इस चुनाव में उसको भी समझते हैं। प्रशांत टंडन जी, राजीव जी, इसको, इस फिनोमेना को आप देखिए कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से तक ये फैला हुआ मामला है पूरा, जो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज बीजेपी से नाराज हुआ है। इसकी असर की आप बात कर रहे हैं, मुझे दो चीजें मैं आपको रेखांकित करना चाहता हूं यहाँ पे। चौधरी चरण सिंह ने 60-70 के दशक में एक फॉर्मूला बनाया था, उसको नाम रखा था अजगर। अजगर क्या था? अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, और वो विनिंग फॉर्मूला था। उसमें मुस्लिम भी आप जोड़ लीजिए। ये राजपूत समाज के इधर आने से ये अजगर वापस जीवित हो गया है। ये हम देखेंगे जब चुनाव, तब में जब ये चुनाव के परिणाम आएंगे तो दिखाई देगा उसमें। दूसरा, खाम एक ऐसी फॉर्मूला था जो माधव सिंह सोलंकी लेकर आए थे, उसमें भी क्षत्रिय थे और वो खाम अधूरा हो गया था जब क्षत्रिय बीजेपी की तरफ चले गए थे। तो ये दो फिनोमेना जो है गुजरात और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम देखेंगे कि ये दो फॉर्मूला जो है वापस आ गए हैं, ये दो कॉम्बिनेशन वापस आ गए हैं। और ये जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं उसका ये विस्तार हो गया है, एक बात। दूसरा कि राजीव जी, अभी उत्तर प्रदेश के मैं चुनाव के वो देख रहा था, परसेंटेज जो 1 बजे तक के हैं, उसमें एक बात मैं साफ कर दूं कि जो परसेंटेज आप दिखा रहे हैं ये फॉर्म सी है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई है उसको मैं ज़रा रिकैप कर दूं कि एक फॉर्म 17A होता है और एक फॉर्म 17C होता है। ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं ये 17C है, यानी ईवीएम से निकला हुआ वोट, ईवीएम की काउंटिंग है कि इतना परसेंट वोट ईवीएम में दर्ज हुआ है। इसमें 17A नहीं है कि पोलिंग स्टेशन में कितने लोग गए। पोलिंग स्टेशन में जब आप जाते हैं तो पोलिंग स्टेशन में एक रजिस्टर होता है जिसमें आपका वोटर आई कार्ड से मिलाते हैं, उसके बाद आप दस्तखत करते हैं वहाँ पे, और वो एक सीरियल नंबर होता है, जिस सीरियल नंबर पे आपने, आपके नाम के आगे है, वो सीरियल नंबर तक उतने लोग वोट दे चुके हैं। ये 17A और 17C, इन दोनों का मिलान ही जरूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई है। जो हम ये देख रहे हैं ये 17C है। 17A पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन नहीं लाता है, एक तो ये बात है। दूसरी बात की जो ईवीएम की बात है, राजीव जी, ईवीएम के बारे में कहा जा रहा था कि ईवीएम की वजह से लोग पैसिव हो जाएंगे, लोग उदासीन हो जाएंगे, वोट देने नहीं आएंगे। इतनी गर्मी के बावजूद ये जो आंकड़े मुझे दिखाई दे रहे स्क्रीन पे, 1 बजे तक के, 3 बजे का डेटा आएगा तो ये और बढ़ के आएंगे। इतनी गर्मी के बावजूद राजीव जी ये आंकड़े जिस तरफ जा रहे हैं वो मुझे 2019 को के आंकड़े को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चिंताजनक बातें ज़रूर हैं, जैसे कि रामपुर उत्तर प्रदेश में सबसे कम फिगर जो दिखाई दे रही है वो रामपुर में दिखाई दे रही है, यानी एवरेज जो है उत्तर प्रदेश का वो 36% के आसपास है और रामपुर का जो है वो 32% है महज। तो ये एक चिंता की बात है कि क्योंकि रामपुर की एक हिस्ट्री रही है और रामपुर को हम देखते रहे कि पिछली विधानसभा में भी रामपुर जो है वो वहाँ पे लोगों को रोका गया था। ऐसे ही आप देखिए कि मुजफ्फरनगर में भी लगभग 37% उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुजफ्फरनगर में 34% ही वोट पड़ा है।
तो ये पीलीभीत में 38.5% वोट पड़ा है पीलीभीत में, तो ये भी एक संकेत दे रहा है। इस तरीके से अगर आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो 50% से ऊपर वोट जा रहा है, परंपरागत है उनकी परंपरा के हिसाब से वोट वहाँ पड़ता ही है, देश के पूर्वोत्तर इलाकों में वोट ज़्यादा पड़ता है, लेकिन 50% से ऊपर वोट अगर एक बजे तक पड़ गया है तो ये भी एक संकेत दे रहा है कि वो किस तरीके से जो है ये चीज़ें हो रही हैं, किस दिशा में ये जा रही हैं। तो ये भी एक कुछ संकेत है। बहुत जगह से ईवीएम की गड़बड़ों की तस्वीर आती है, वो हर इलेक्शन में आती है। मुझे लगता है कि ये चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगी जो ईवीएम की शिकायतें आ रही हैं। ये जो इकरा हसन बात कर रही हैं, ये मुझे रामपुर की याद दिला रहा है कि आप अल्पसंख्यक समाज को वोट देने से रोक रहे हैं, आप बुरके वाली महिलाओं को आप रोक रहे हैं। क्या वो प्रधानमंत्री कार्यालय में जा रही है जितनी तलाशी आप ले रहे हैं उनकी? क्या वो इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रही है कितनी तलाशी आप उनकी ले रहे हैं? वो वोट देने आ रही हैं, वहाँ पे मेटल डिटेक्टर वगैरह लगा होता है और उनको आप इस तरीके से तलाशी लेंगे तो उससे उसका एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, लोग घरों से नहीं निकलते हैं, खासकर महिलाएं। तो ये एक चिंताजनक बात है। इलेक्शन कमीशन को के जो भी अधिकारी वहाँ पे हैं उनको देखना चाहिए कि वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हर व्यक्ति जो वोट के मतदान केंद्र तक पहुंचा है उसका वोट दर्ज हो, चाहे वोटिंग का टाइम निकल जाए फिर भी दर्ज हो उसका वोट, अगर वो मतदान केंद्र के अंदर आ गया है तो। राजीव जी साथ जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, अभी हम लोगों ने देखा कि ईवीएम जो है वीवीपैट यानी कि चुनाव की प्रक्रिया में ये जो दोनों सहायक इक्विपमेंट्स हैं दोनों सवालों के घेरे में रहे हैं और ईवीएम के साथ साथ पहली बात तो ये होती रही ये बातें होती रही कि ईवीएम की जगह वीवीपैट बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए और वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की काउंटिंग हो, लेकिन इन सब के बीच सवालों के घेरे में ईवीएम और उससे आज मतदान और मतदान के दौरान कई जगह ये हमेशा अमूमन देखा जाता है, कई जगह ईवीएम में खराबी की खबरें आती हैं, कई जगह और कुछ कहा जाता है, कई जगह अभी जैसे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं कि चाहे रामपुर हो या कैराना से हसन की हमने वो की बाइट सुनी भी जिसमें वो कह रही हैं कि बुरके वाली महिलाओं के साथ जो जाति हो रही है, बदसलूकी हो रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ उनको वोट डालने ना दिया जाए, ऐसी संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि आज जब लोग निकल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोग निकल रहे हैं, तो लोग निकलते इस विजुअल को जरा दिखा देना चाहता हूं, अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, रामपुर का ये विजुअल है और कैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से एक नहीं बल्कि दो दो आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। अगर फुल स्क्रीन अगर लाके दिखा सकते हैं तो दिखाइए और जरा सुन लेते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। अधिकारियों ने कहा है, कौन से अधिकारी, किस अधिकारी ने बोला है आपको, किस अधिकारी ने बोला संतोष जी, आप खड़े क्यों यार बिना बाहर हुए बताएं, किस किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है, कौन से अधिकारी, किस अधिकारी ने बोला है आपको, किस अधिकारी ने बोला संतोष जी, आप खड़े क्यों यार बिना बाहर, रिपीट। तो ये देख रहे थे आप, अधिकारी ने कहा है एक नहीं बल्कि दो दो कार्ड यहाँ दिखाइए और उसके बाद ही आप वोट डाल पाएंगे। इसको देख करके बहुत कुछ समझ में आता है जिसकी चर्चा हमेशा होती रही है, यानी जो जिस समुदाय के लोग आप वोट नहीं आपके खिलाफ वोट डालेंगे उस समुदाय के लोगों को वोट डालने ही मत दो। ये इस बीच ये कौन सा ये विजुअल भी आप तक, पी चिदम्बरम सुबह सुबह इन्होंने वोट डाला है, पी चिदम्बरम का विजुअल है, सामान्य विजुअल है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके विजुअल्स आते रहते हैं, उन्हीं में से एक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, इसके हिसाब से अगर इस विजुअल को आप देख रहे हैं
क्या कुछ आपके जहन में आ रहा है, क्या यहां से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? ईवीएम और वीवीपैट को किनारे रख दीजिए, आप तक अगर ईवीएम तक आदमी पहुंचे ही नहीं तो वोट कैसे डालेगा? प्रेम कुमार जी प्लीज। जी शुक्रिया राजीव जी। ये जो तस्वीरें जिसमें दारोगा चेक कर रहा है आधार कार्ड और पहचान पत्र, ये बहुत आपत्तिजनक है और उन दिनों की याद दिलाता है जो बाई इलेक्शन में रामपुर में सिर्फ 30% वोट हुए थे। 30% वोट चौंकने वाली बात थी पूरे देश के लिए, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भी अशांत होता था तब भी 30% वोट नहीं जाया करते थे, वहां भी अच्छा इससे ज्यादा वोट हो जाता था। तो ये हालात रामपुर में क्यों बने, इस पर बीते दिनों जो चर्चा होनी चाहिए थी हुई नहीं। लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये तस्वीर आ रही कि पुलिस वोटर को वह भी बूथ के पास में चेक कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को चेक कर रही है वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो क्या ये प्रश्न उठता है कि पुलिस अगर चेक कर, एक तो अधिकार नहीं है और दूसरा है कि अगर चेक कर रही तो क्या वो सभी समुदाय के लोगों को चेक कर रही है, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये तस्वीर सामने आई है, ये खतरनाक तस्वीर है, भयावह तस्वीर है और मतदाताओं को निर्भीक मतदान से रोकने वाली तस्वीर है। इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। ये हमने तस्वीरें देखी है, पिछले 1.5 घंटे से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बावजूद कि ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, अब तक जो रामपुर में भी वोट प्रतिशत है मेरे ख्याल से 32-33 का वोट प्रतिशत रामपुर में भी है, तो उसको अगर हम देखें तो ओवरऑल 36% के मुकाबले अगर रामपुर में 32% हो रहा है और वो भी 6 घंटे में, तो हम होप कर सकते हैं कि हर हाल में 60% से ज्यादा मतदान रामपुर जैसे इलाके में भी होगा जहां बाई इलेक्शन में सिर्फ 30% देखने को मिला था। तो इससे ये पता चलता है कि मतदाता जोखिम उठाने को तैयार हैं, वो साहस कर रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं और जो रोकने वाली शक्तियां हैं, मतदान को निरुत्साहित करने वाली शक्तियां हैं, उससे वो मतदाता लड़ रहे हैं। एक तो ये है। एक और तस्वीर हमने देखी राजीव जी, वो आपको मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने एक वोटर को फर्जी वोट करते हुए खुद पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। तो ये जो तस्वीर है ये प्रत्याशी का जज्बा दिखाता है, हर प्रत्याशी को ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा, कोई फर्जी मतदान कर रहा है तो उसको भी उसकी भी निगरानी करनी होगी। ये एक तरह से हर प्रत्याशी के लिए मैं बोल रहा हूँ, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, सबको चाहिए कि फर्जी मतदान के प्रति चौकस रहे। लेकिन ये इस बात को भी बता रहा है कि मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में कितना जबरदस्त चुनावी संघर्ष है, इसको भी बता रहा है। और इकरा हसन का आपने चर्चा किया है कि बुरके को लेकर के ये आवाज हर बार उतरती है, लेकिन अब इसमें इतना बड़ा क्या प्रश्न है, हो सकता है महिला को चेक कर रही है तो कोई बहुत निगेटिव बात भी नहीं है, लेकिन आम तौर पर होता है कि चेक करने के नाम पर हरास किया जाता है या वोटिंग को सुस्त कर दिया जाता है, ये ज्यादा चिंता की बात है। और इकरा हसन ने इस पॉइंट को भी उठाया है और उन्होंने बहुत सारी बातें की है कि जो ईवीएम से खराब है उसकी वजह से जो देरी हुई है तो देरी का कंपनसेशन होना चाहिए, उतना समय और वोटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए और ये पूरे देश में ये होना चाहिए, कहीं अगर ईवीएम खराब है तो उससे जो देरी हुई है उस देरी का कंपनसेशन होना चाहिए। एक रोचक चुनाव देखने को मिल रहा है, वोट प्रतिशत ये बता रहे हैं कि पिछली बार 67% के करीब मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव में ओवरऑल, तो इस बार भी पहले चरण में जो सीटें हैं उसका भी हमने एक जगह अखबार में ही देखा था कि वो 67% के ही आसपास वोटिंग है। तो ये वोटिंग प्रतिशत हमें लग रहा है मीट आराम से करेगा, 1.5% 2% बढ़ भी सकता है,
ये वोट प्रतिशत अभी के हिसाब से 6 घंटे में जो दिख रहा है और अगले 4 घंटे में जो हो सकता है उसका हम अनुमान लगाएं पर आवर जो वोटिंग है उसके हिसाब से, तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा जो है अच्छा वोटिंग है और हम उत्साहजनक वोटिंग है और क्षेत्रवार मूल्यांकन होगा इसका, लेकिन फिर भी सत्ता के खिलाफ वोटिंग है ये हमें दिख रहा है जी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का ये पूरा का पूरा एरिया जिस एरिया में आज पोलिंग हो रही है और ये कहें तो अल्पसंख्यक बहुल एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया है और सबसे ज़्यादा परेशान बीजेपी यहीं से है क्योंकि पिछली दफ़ा इन 8 में से मात्र 3 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी, 5 सीटें लूज की थी बीजेपी, लेकिन इस बार क्या वहाँ कुछ गेन होगा बीजेपी को, इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस बार जयंत चौधरी इनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, तो जयंत चौधरी और बीजेपी मिलकर यानी रालोद और बीजेपी मिलकर क्या कोई यहां पर कमाल दिखा पाएंगे, रामपुर हो या कैराना हो या सहारनपुर हो मुजफ्फरनगर हो ये तमाम एरिया और इस एरिया से ऐसी खबरें खूब आ रही हैं कि वहां अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश हो रही है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है, अगर ऐसा है तो ये गलत है बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ईवीएम पर कई सारे सवाल, उन सवालों के बीच अगर बंपर वोटिंग हो रही है, कई एरिया में लोग निकल के जा रहे हैं, तो यह इस लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कहें तो एक अच्छी बात कही जा सकती है, एक अच्छी दिशा की तरफ हम इस देश को जाते हुए देख सकते हैं, इसलिए निकलिए दोस्तों, बार बार हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि आप निकलिए, वोट देने जाइए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सरकार चुनिए और उसके भागीदार बनिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक, डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास आना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का सूरत हाल और उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम राज्यों में बिहार में दावे किए जा रहे हैं खासकर तेजस्वी यादव की तरफ से कि चारों की चारों सीटें हम जीत रहे हैं और उनसे जो सवाल पूछे गए बहुत पत्रकारों के द्वारा वो बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है इन सवालों को सुन के, एक बार उस बाइट को फिर से लाना चाहता हूं जो सवाल पूछ रहे थे पत्रकार तेजस्वी यादव से और क्यों पूछ रहे हैं, ये चुनाव 2019 का तेजस्वी यादव का नहीं था लेकिन 2024 का चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है, इसलिए भी ये सवाल शायद पूछे जा रहे हों और बिहार से लेकर वाया उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तक चलेंगे आपके जरिए डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं सुनते हैं तेजस्वी यादव कह क्या रहे हैं, सुनिए। चारों सीट जो है जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हार रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खोल रहा हमारा। और कुछ सवाल बीजेपी कह रहा है बीजेपी कर रहे हैं आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया, और कुछ सवाल बीजेपी कह रहे हैं वहां खड़े हम लोग हो जाएंगे भेजा गया एजेंडा फिक्स करके आए हैं, अरे बीजेपी कह रही है जीरो पे आप लोग आउट हो जाएंगे, बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे, कौन कह 24 में बीजेपी कह रही है वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं, बौखलाहट है विधानसभा में क्या कह रहे थे क्या हालत हुआ, तो उनपे छोड़िए पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है, हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, आप लोग धैर्य रखिए इंतजार कीजिए। तो सुन रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि बीजेपी कह रही है कि इस बार आप लोग जीरो पे आउट हो जाएंगे, जीरो सीटें, और कौन कह रहा है इससे पहले भी, और बहुत सारे सवाल और सवालों में वहाँ जमुई का की जो सीट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सीट उसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, परिवारवाद की बात करते करते रह गए क्योंकि उससे पहले एक ट्वीट कर दिया था इन्हीं तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस यहाँ साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है कि
आखिर कह क्यों रहे हैं कि ये चारों सीटें हम जीत रहे हैं। तो चार सीटें यहाँ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन के नेताओं का दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और उसमें गाजियाबाद से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप याद कीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था अखिलेश यादव ने कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक हमारी हवा बह रही है, इंडिया गठबंधन की हवा बह रही है। ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव का, और एक कॉन्फिडेंस आप राहुल गांधी का देख लीजिए। उसके बाद राहुल गांधी जो 180 सीटों से अब 150 पे लेके आ गए हैं बीजेपी के लिए, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस उधर शायद जहां आप बैठे हुए हैं वहां भी है कि अब अगर 24 दिन में कोई नेता वापस आ जाए, उसका जिक्र आप कर रहे थे, वो वापस आ जाए, फिर से गया हुआ वापस आ रहा है, तो क्या ये कुछ हवा के बदलते हुए रुख को हम देख रहे हैं, उसको भांपने की कोशिश करें क्या आपके जरिए, क्या कुछ है? जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये 24 दिन में नहीं, वो तो 19 दिन में लौट आए हैं महापौर साहब। छिंदवाड़ा के मेयर 1 अप्रैल को बीजेपी में गए थे, आज 19 अप्रैल है, तो कुल 18 दिन में घर वापसी उनकी हो गई है। 1 अप्रैल को वे नरेंद्र मोदी के कसीदे काढ़ रहे थे और आज कह रहे हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ को जिताना है। ये बड़ी घटना है डॉक्टर साहब। अप्रैल फूल तो नहीं मना रहे थे वो, 1 अप्रैल को गए थे वो। तो ये बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि विक्रम अहाके को ज्वाइन कराने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश के बाकी बड़े नेता मौजूद थे मंच पर। फिर विक्रम अहाते सीएम हाउस के अहाते में खड़े होकर देश भर के चैनलों को बाइट दे रहे थे कि मोदी जी के साथ विकास करना है और आदिवासियों की उपेक्षा हो रही छिंदवाड़ा। तो अब तो हम यही कह सकते हैं कि अप्रैल फूल बनाया उन्होंने विक्रम अहाते ने। बाकी के माहौल की अगर हम बात करें तो इसे एक संकेतक तो मानना ही चाहिए कि जिस छिंदवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जीतना चाहती है, वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम 10 बार हो आए होंगे, कितनी दिन कितनी रातें वहां बिताई हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो करके आए हैं, सारे नेता लगे हुए थे वहां के लिए, और वहां का ही महापौर वापस आ गया कांग्रेस में, तो ये बड़ा संकेत है मुझे लगता है। बाकी अगर पूरे परिदृश्य की बात करें तो 6 संसदीय सीटों पर आज मध्य प्रदेश में चुनाव है, कम से कम 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है, मुकाबले में है। पूरा जो नजर अगर हम डालें पूरे देश में, जो माहौल है, मतदाताओं की जो खामोशी कल तक दिखाई दे रही थी, लेकिन आज मतदान के दिन ऐसा लग रहा है कि लोग उस खामोशी को अब मशीन में बटन दबाकर दर्ज कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने आत्मविश्वास की बात कही, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों की बॉडी लैंग्वेज को आप देखें, इनके बयानों को देखें, तो आपको लगेगा कि जो मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वारफेयर बीजेपी आरएसएस अभी तक लड़ते आए हैं जिस तौर तरीके से, उसका कड़ा मुकाबला उन्हें कांग्रेस और इन विपक्षी दलों से मिल रहा है। स्वाभाविक है अभी 6 चरण और हैं मतदान के, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है और नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है, वे जो इंटरव्यू दे रहे थे उनकी उंगलियां कांप रही थी हमने देखा सोशल मीडिया पर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं ऐसी बातों को, उनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो जिस तरह मुद्दों पर भटक रहे हैं, कभी सनातन की बात करते हैं, अब उन्होंने ये तक कह दिया कि संविधान सभा के सदस्य सनातनी थे, तो इस तरह की गैर जरूरी बातों से उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा दरका हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष जिस तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर पर अब आया है, उसकी एक वानगी यह है कि राहुल गांधी उस दिन जब 180 सीट कह गए थे तो शायद कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने उन्हें कहा था, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा कि 180 तो आपने ज्यादा बता दिए हैं एनडीए और मोदी के लिए, तो राहुल गांधी ने उसको कोर्स करेक्शन करते हुए भूल सुधार के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल 150 सीटों पर ले आए हुए। हो सकता है अगले 1-2 चरण बाद वे कहने लगे कि मोदी जी को तो 100 सीटें नहीं आने वाली। हम जानते हैं ये सारे बयान, चाहे 400 सीटों का दावा मोदी जी करें या राहुल गांधी 150 सीटों की बात करें, दोनों ही बातें अभी धरातल पर सही सही सटीक साबित होती नहीं दिखती जब तक कि जनता का फैसला सामने न आ जाए। जनता फैसला करना क्या चाहती है, वो उत्तर प्रदेश के जो आप दृश्य दिखा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जिस तरह से
दो दो आइडेंटिटी कार्ड मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, पुलिस रोक रही है। ये हम 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं। मैंने अभी अपने चैनल पर ही थोड़ी देर पहले बातचीत में ग्वालियर का जिक्र आया था, शकील साहब ने उसका उल्लेख किया था। एक मतदान केंद्र पर 2 और 3 बजे से दिन में जो लोग कतार में लगे थे वो शाम 7 बजे तक वोट नहीं डाल पाए थे और कलेक्टर कांग्रेस के प्रत्याशी से झगड़ा कर रहे थे, बहस मुबहसा कर रहे थे, जबकि निर्वाचन के नियमों में ये शामिल है कि अगर आप मतदान केंद्र की निर्धारित परिधि में 5 बजे से भी अगर पहले आ गए हैं तो चाहे रात के 9 बज जाएं, आप अपना वोट डाल सकेंगे। ये मतदान टीम की जिम्मेदारी है कि किसी भी सूरत में वोट डलवाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में ऐसे कई क्षेत्र होंगे जो बीजेपी या सत्ता में बैठे लोगों ने चिन्हित कर रखे होंगे कि यहाँ पर संप्रदाय, धर्म, जाति, वर्ग, किसी भी आधार पर उन्हें लग रहा होगा कि हमें वोट नहीं मिलने वाले, तो उन्हें वोट डालने से ही रोकने की कोशिश की जाएगी। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं राजीव जी जहां दलितों को वोट डालने से रोका जाता है, जो उच्च मध्यम वर्गीय जातियां हैं वे उन्हें वोट डालने से रोकती हैं। ऐसी घटनाएं तो अभी अगले चरणों में हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन आज की तारीख में पहले चरण में अगर देखें तो जो आंकड़ा पिछले बार चुनाव का था, परिणाम का था 102 में से, उससे तो कहीं घाटे में जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। यद्यपि अभी इसके बाद आज के जो भी एग्जिट पोल दिखाए तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन पार्टियां अपने अपने स्तर पर मतदाताओं से, हमारे आपकी जैसी संस्थाओं से बात करके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें से अगर कोई ध्वनि उनको सुनाई दी, कुछ धड़कन पर हाथ रख पाए, तो अगले चरण में चुनाव इससे भी कठिन होता जाएगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं राजीव जी, अगले चरणों में बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री इस चुनाव को पूरी तरह से धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राह पर लेकर जाने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम करने के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से थोड़ी देर पहले भाषण दे रहे थे और इंडिया का कुर्ता पैजामा में है, ये सपा के अधिकारी हैं और इन्होंने सपा प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर के, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, और इन्होंने पकड़ा है और ये फर्जी मतदान करते हुए और सिर झुकाए हुए साहब जो जा रहे हैं पुलिस के साथ, ये बिल्कुल ये जो हैं इनको पकड़ के बाहर किया गया है। ये फर्जी मतदान कर रहे थे, इनका नाम क्या है ये भी थोड़ी देर में आप तक हम पहुंचाएंगे, नाम जब तक आएगा, और किसको मतदान कर रहे थे, किसके साथी हैं ये, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये मुजफ्फरनगर की घटना है वो सवालों के घेरे में है, और साथ साथ फर्जी मतदान भी अगर यहां सामने आए। और तीसरी एक तस्वीर और है जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे हम, जिसमें कैसे अल्पसंख्यक वोटर्स को कहा जा रहा है कि एक नहीं बल्कि दो दो आप प्रमाण पत्र दीजिए, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उसके अलावा एक और प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तभी आप मत डाल पाएंगे, वोट डाल पाएंगे। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए जो स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही तस्वीर है, जरा उसको ऑडियो के साथ सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है, सुनिए।
अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं आरोप बिना बाहर हुए बताएं। किस किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास। पहचान आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं आरोप बिना बाहर हुए बताएं। किस किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? तो आप सुन रहे थे। और एक और तस्वीर जो महिलाओं के बुर्का की, हालांकि महिला देख रही है बुर्का उठाकर और पहचान पत्र दिखाने का, यहां पर जो आप देख रहे थे अभी तस्वीर, उसमें यही था कि आधार कार्ड हाथ में है लेकिन एक आधार कार्ड से काम नहीं होगा और एक चाहिए, ये कहते हुए मतदाताओं को वहां से हटाया जा रहा है। तो ये कहां तक जायज है, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। सुबह सुबह चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपील तो की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और मतदान कीजिए, लेकिन क्या ऐसे आप उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हो पाएगा जब ऐसे मतदाताओं के साथ आप इस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं अपने अधिकारियों को? क्योंकि अब तो बहुत आसान है, एक बार जल्दी से जगदीप सिंधु जी के पास आना चाहता हूं। अब तो बहुत आसान है सिंधु साहब की खबर कई अलग अलग सोर्सेस के जरिए और खासकर सोशल मीडिया के जरिए तो पहुंच ही जाती हैं और टॉप लेवल तक खबरें पहुंच जाती हैं, और ऐसे में जबकि आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के तरफ वोट डालते हुए नजर आते हैं, या जो उनके तरफ डाले ना डाले जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हुए नजर आते हैं, ऐसे मतदाताओं को रोकने की कोशिश और एक तरफ बीजेपी के पक्ष में और या इंडिया गठबंधन के खिलाफ वोट डालने की भी तस्वीर आपने देखी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ हमने ऐसा देखा है पहले भी, लेकिन आज की तारीख में कितना जायज दिखाई देता है ये? किसी भी हालत में जायज नहीं है। चुनाव आयोग को भारत के चुनाव कराने के लिए जिस प्रकार से प्रतिबद्ध होना चाहिए था, ये उसमें सीधे सवाल खड़े करता है और स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और कैराना में पिछले चुनाव में भी बहुत से प्रशासन के अधिकारी ऐसे थे जो बार बार, जिनके बारे में शिकायत की गई थी प्रत्याशियों के द्वारा, और उन्होंने बहुत बार इस तरह के रोकने के प्रयास भी किए थे, और जहां भी प्रत्याशी जा रहे थे विपक्ष के, बीजेपी के विरोधी प्रत्याशी, उनके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां भी रहती थी। तो ये जो एक प्रक्रिया है, ये सत्ताधारी पार्टी या जो वहां शासन में है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये उस प्रशासन की कमियां पहले भी उजागर हो चुकी हैं, उस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उनपे पहले भी लग चुके हैं, ये अब भी लग रहे हैं। और ये तय है कि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो एक सत्ता के विरोध में जिस तरह से अभी मतदान होने जा रहा है या होते हुए दिखाई दे रहा है, ये तय है कि वो अपने अंतर को कम करने के लिए, दूसरे लोगों का अधिकार को वंचित करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग जगह पे। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष और समुदाय विशेष के साथ अधिकतर होता पाया गया है। तो ये सीधा सीधा सा वहां के स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग की प्रशासन और उनकी कार्यप्रणाली पे एक तरह के बड़े सवाल पैदा करता है, और सत्ताधारी पार्टी अपने हथकंडों से कोशिश कर रही है कि वो देखिए, पहले कहा जाता था कि चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होती है, और वो बूथ कैप्चरिंग इस प्रकार होती है कि लोग उसमें घुस जाते हैं और बैलेट्स को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद कहा गया कि बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए ईवीएम लाई गई है, लेकिन ये हम बूथ कैप्चरिंग का एक नया प्रारूप देख रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह से इनके अधिकारों को, किसी भी मतदाता के अधिकार को वंचित किया जाता है, तो ये एक तरह से बूथ कैप्चरिंग का ही एक नया रूप है। मेरा ये मानना है कि ये सबसे बड़े सवाल इस चुनाव आयोग की कार्यशैली पे, उनके प्रशासन पे, उनकी पद्धति पे खड़ा करता। उधर चुरू लोकसभा के रामपुरा रेणी ग्राम पंचायत आसल खेड़ी में कांग्रेस के बूथ एजेंट के साथ मारपीट की घटना हुई है, और
ये चुरू से आप जानते हैं कि चुरू में जो सांसद थे, वर्तमान सांसद, वो कांग्रेस में आ गए थे, राहुल कस्बा, और उसके बाद से वहाँ बहुत गहमा गहमी का माहौल है, और चुरू हो सकता है कि कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस के पल्ले में आ जाए, और इसलिए बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा है। अभी रिजल्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अलग माहौल वहाँ। चुरू के बारे में ज़रा सिंधु साहब आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कुछ है वहाँ पे, और इनके राहुल कस्बा के आने के बाद क्या माहौल वहाँ बदला हुआ दिखाई देता है, क्या वहाँ कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई देता है, या हम लोग दिल्ली में बैठकर जितना सुनते आए हैं वही सब कुछ है, वहाँ कुछ धरातल पे कुछ और है? जी बिल्कुल, अभी तक के जो संकेत और जानकारियां आई हैं उसमें स्पष्ट तौर पे सामने आ रहा है कि एक बड़ा वर्ग कांग्रेस की तरफ झुक गया है, और बूथों पे ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी जानकारियां भी आ रही हैं। और जहां तक चुरू की सवाल है, जब राहुल कस्बा का टिकट कटा था तो उसके बाद राहुल कस्बा के पिता भी राजनीतिक रहे हैं, इस परिवार का इस पूरे क्षेत्र में काफी प्रभाव है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और इनकी छवि एक तरह से साफ है। जब इनका टिकट कटा तो इसमें वो कांग्रेस पार्टी में आए, कोशिश राजेंद्र सिंह राठौर के द्वारा की गई कि ये जो चुनाव है इसको एक व्यक्ति केंद्रित, चेहरा केंद्रित कर दिया जाए, लेकिन चुरू में जो तकलीफ है, जो सिंचाई के पानी की, पीने के पानी की व्यवस्थाएं और अन्य जो तकलीफें हैं, और सबसे बड़ी जो बेरोजगारी और अग्निवीर और किसानों की जो तकलीफें हैं उनको लेते हुए, और जिस तरह से हर बार कस्बा उनके साथ खड़े दिखाई देते थे, तो ये उनके कांग्रेस में आने के बाद एक लहर उनके पक्ष में चली, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने दीपक झाझड़िया को लाया जो पैरा में ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं। लेकिन अब चुनाव आज जैसे हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो अब तक चुनाव आते आते स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक खास वर्ग जिसको हम अनुसूचित और दलित जाति वर्ग कहते हैं, कहा जाता है, उनके जो उनका जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति देखने को मिल रहा है, तो ये एक बड़ा बदलाव इस सारे शेखावटी क्षेत्र में है। और अगर ये इस तरह से मतदान का ये ऐसा पैटर्न सामने आता है या इस प्रकार का मतदान होता है, तो ये कांग्रेस के लिए एक तरह से यूं कह लीजिए कि एक सहज स्थिति में उनके चुनाव को जाने का होगा। जी बिल्कुल, चुरू की बात हम कर रहे थे, और जरा एक बार फिर से इधर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास क्या कुछ है, कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं राजीव जी, अभी कोई खास अपडेट तो नहीं है, बस ईवीएम की शिकायतें जो काफी ज्यादा आ रही हैं, जैसा ये बताया कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है उन्होंने भी शिकायत की है, राशन ने भी शिकायत की है, और कई जगह जो है मामला वोटिंग कम हो रही है, जैसा कि ठाकुर 24 में मेरठ में वहाँ की सूचना थी कि वहाँ बहिष्कार किया गया है, और ये खबर आई है कि पीलीभीत में जो है एक गांव में जो है बहिष्कार किया गया है मतदान का, चूंकि वहाँ जो है वो जो शेर की समस्या है, शेर आया था ना बाबा, शेर आया तो वहाँ शेर आया था, तो शेर की समस्या को लेकर के भी वहाँ मतदान का बहिष्कार किया गया है। राजीव जी, शेर अब नहीं चाहिए लोगों को, आदमी चाहिए, इंसान चाहिए, इसका मतलब राजीव जी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इंसान चाहिए, आदमी चाहिए, और यहाँ 56 इंच चाहिए या नहीं चाहिए ये भी पूछा जाएगा। लेकिन आज चुनाव है, और चुनाव में कौन क्या चाहता है, किसकी सरकार बने, अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं लोग, और वोटिंग के लिए ज़रूर जाइए। एक बार प्रेम कुमार जी के पास जल्दी से आना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, बहुत कुछ हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात कि आज वोटिंग प्रतिशत, जिसकी उम्मीद हमेशा बनी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आए बाहर, रामपुर की बात हो या उधर मणिपुर की बात हो, रामपुर उत्तर प्रदेश में, मणिपुर अपने आप में, मणिपुर है एक ऐसा प्रदेश जहां के दो इम्फाल के पास एक पोलिंग बूथ को रोक दिया गया है और बंद कर दिया गया है, वहां महिलाओं ने कुछ अनियमितता की का आरोप लगाया, तो मणिपुर या इधर रामपुर यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या उधर आप देखें तो चुरू का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां, और इन गड़बड़ियों के बीच सवालों के घेरे में ईवीएम
कई जगह, और ईवीएम से जो कुछ ना हो उसमें अल्पसंख्यकों या ऐसे वोटर्स को रोका जाए, उनको तंग किया जाए, परेशान किया जाए कि वो वोट डाल ही ना पाए। क्योंकि ये एक बार की बात नहीं, जो वोटर को परेशान करने वाली बात है ये हमने बहुत हद तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखा था, और खासकर ये उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, होता आया है। कई लोगों ने ऐसी शिकायतें की थी कि वोटर लिस्ट में उनके नाम, एक परिवार के किसी का नाम इस बूथ पे है तो किसी का नाम जो है वो वहां से 5 किलोमीटर दूर दूसरे बूथ पे है, और दोनों एक साथ घर से निकलते हैं लेकिन दोनों वोट नहीं डाल पाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये सब भी शिकायतें आई हैं। 2019 का जो एक रिसर्च पेपर है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, उसमें भी देखिए तो ये बातें वहां भी आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें तीन महत्वपूर्ण बातों में से एक बात यह भी है कि आप वोटर आईडी, वोटर में से या तो नाम लिस्ट में से नाम निकाल दीजिए, 17C जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और या आप इतना दूर भेज दीजिए कि जा ही नहीं पाए। इन सब के बीच भी अगर वोटिंग हो रही है तो इसको क्या माना जाए? जो आपने थोड़ी देर पहले एक विजुअल दिखाई थी कि एक पुलिसकर्मी आईडी चेक कर रहा था, और ये सवाल उठ रहे थे कि पुलिसकर्मी कैसे क्यों आईडी चेक कर रहा है। एक और विजुअल आवाज आपकी कट रही है, एक और विजुअल सामने दिख रहा है, वो भी मुजफ्फरनगर का है, वहां रतनपुरी इलाके में हुसैनाबाद भनवाड़ा बूथ पर है। यहाँ एक तस्वीर में हमें यह दिख रहा है राजीव जी कि पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में है, डीएम और एसपी भी हैं, एसएसपी, और महिला पुलिस भी है, पुरुष भी है, और सबकी चेकिंग हो रही है ये मान करके कि ये संदिग्ध वोटर हो सकते हैं। लेकिन सारे जो भीड़ है वो अल्पसंख्यकों की ज्यादा दिख रही है, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जहां मतदाता वोट कर रहे हैं पूरे इलाके को बड़ी संख्या में पुलिस एक एक की आईडी चेक करती हुई दिख रही है। विजुअल्स हैं, विजुअल देखकर मैंने ये बयां किया है, तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। क्या ये इस किस्म से पुलिस हर बूथ पर ऐसा ऐसी चेकिंग कर रही कि उनको वहीं पर संदिग्ध वोटर नजर आ रहे हैं जहां मुसलमान वोट कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल पैदा होता है। दूसरी बात है कि मणिपुर का आपने जिक्र किया, मणिपुर में आज फायरिंग भी हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं, बम भी फटे हैं, और उसी बिष्णुपुर में जहां से हिंसा शुरू हुई थी, जो पहले दिन हिंसा शुरू हुई थी, तो ये गंभीर स्थिति में वहां के लोग वोट कर रहे हैं, और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि इस स्थिति में भी वोट प्रतिशत कम नहीं है मणिपुर में, और मणिपुर में वोट प्रतिशत औसतन दूसरे जगह से बराबर या उससे ज्यादा ही है। तो ये विपरीत परिस्थिति में मणिपुर के लोग साहस दिखा रहे हैं, वोट कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम देखें तो निश्चित रूप से सहारनपुर में जो वोट प्रतिशत ज्यादा नजर आ रहा है, ये प्रियंका गांधी जी की जो रैली हुई थी उसका असर है, उसका इम्पैक्ट है, और लोग बड़ी संख्या में वोट करने निकले हैं। चुनाव बदल गया है प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद से सहारनपुर में, और मुजफ्फरनगर में तो सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ बालियान चुनाव हार रहे हैं, ये इस तरीके से स्थिति है बनी हुई। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में ही ऐसा तो है नहीं कि एक लोकसभा सीट में मतदाताओं का मूड बदलेगा और दूसरे में नहीं बदलेगा, कि पूरे देश में ही मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। और चाहे राजस्थान हो, राजस्थान के बारे में अभी हमारे साथी कह रहे थे जगदीप सिंह जी के, वहां कांग्रेस के खेमे में ज्यादा हलचल दिख रही है, तो ये हलचल दिखना भी एक बात बताता है। और जो हम लोग वहाँ समीकरण देख रहे थे कि राजपूत भी बीजेपी से नाराज हुए, जाट और गुर्जर एक होकर के वोट कर रहे हैं, सचिन पायलट का भी जादू चलता दिख रहा है, गोविंद कोटासरा का भी जादू चलता दिख रहा है, वैसे वैसे गंगानगर जैसे इलाके में जो यहाँ बीजेपी में फूट हुआ करती थी, आज लग रहा है कि एक तरफा सिख भी एकजुट है और गुर्जर समाज और दूसरे समाज भी एकजुट है, तो कांग्रेस के लिए एक माहौल बदल गया है। चूरू से लेके बीकानेर, गंगानगर, सीकर, नागौर, इन सब इलाकों में एक उम्मीद पैदा हो गई, इवन भरतपुर जैसे इलाके में भी एक नदी की मुकाबला देखने को मिल रहा है, और बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री इस सीट फंसी हुई दिख रही है राजस्थान।
बिहार में आप बात करें, बिहार में 4 सीटें हैं, ये सारी सीटें एनडीए के हाथों में हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो चुनाव है हम देख रहे हैं कि नवादा में थोड़ी टक्कर ज्यादा है, लेकिन इवन औरंगाबाद जैसी जो कि बीजेपी की एकदम मजबूत सीट मानी जाती थी, वहां राजद ने पानी पिला देना जो बोलते हैं उस हिसाब से संघर्ष चल रहा है, वो सीट छीन सकती है राजद। और बाकी दो इलाकों में आपको जो क्या नाम है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपना चुनाव जीतेंगे, अब संदेह पैदा हो गया है। उनको तो उनके गांव से लोग भगा रहे थे, वोट मांगने जा रहे थे, उनको क्या के लोग भगा रहे थे, और अब जो ताजा हालात हमें रिपोर्ट मिल रही कि जीतन राम मांझी के पूरे चांसेस हैं कि वह चुनाव हार जाएं। इसी तरीके से चिराग पासवान के बहनों ही जो जमुई में लड़ रहे हैं उनके भी जीतने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये आरजेडी बहुत मजबूती से 2 सीटें तो स्पष्ट जीत रही है, तीसरे पे बहुत कांटे की टक्कर है, और चौथा हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, ऐसा मुझे बिहार से लग रहा है। जी बिल्कुल, बिहार में क्या कुछ चल रहा है और ओवरऑल कैसे लोगों को रोका जा रहा है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए। राकेश पाठक जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, मैं देख रहा था। जी जी राजीव जी, जो ईवीएम मशीनों को लेकर शिकायतें आज सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में चल रही हैं, अभी मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, राज्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन, उन्होंने औपचारिक रूप से ये सूचना दी है कि अब तक, यानी सुबह से अब तक, अभी 3 बज रहे हैं, 78 तो बैलेट यूनिट बदली गई हैं, 59 कंट्रोल यूनिट बदली गई हैं, और 88 वीवीपैट अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में बदली जा चुकी है। हमारे दर्शकों की साधारण जानकारी के लिए बता दें कि पहले बैलेट यूनिट तो वो होती है जिसके जरिए हम वोट डालते हैं, कंट्रोल यूनिट वो होती है जहां से निर्वाचन अधिकारी बैलेट को रिलीज करता है तब हम वोट डाल पाते हैं, और वीवीपैट में पर्ची आती है। तो ये संख्या अभी अभी हमारे ध्यान में आई है, तो इतनी मशीनों में शिकायतें जो मिली थी उस पर बदला गया है मशीनों को। तो मशीनों को लेकर जो संदेह लगातार है, सुप्रीम कोर्ट में बात चल ही रही है, वीवीपैट को लेकर भी चल रही है, ईवीएम को लेकर पूरे देश में संदेह है, इसके बावजूद चुनाव तो उसी से हो रहा है और ये पूरा आम चुनाव उसी से होगा। अब 7 चरणों में, अगले 6 चरण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कुछ शिकायतें ये भी आ ही रही है कि कहीं पैसे बट रहे हैं। अभी छिंदवाड़ा का एक वीडियो कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने रिलीज किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं को नकदी बांट रहे हैं, उसका कोई वीडियो सामने आया है। ये शिकायतें हर चुनाव में होती हैं, हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है। बस इतना सा मुझे जोड़ना था कि मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर क्या हुआ है अभी सुबह से। जी 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 बिल्कुल, और पुष्कर सिंह धामी का भी ऐसे ही एक विजुअल जो है वो भी सामने आया है, जो मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं, तो ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। इस बीच थोड़ी देर में एक खबर, उधर अरविंद केजरीवाल के केस पे भी एक खबर पर चर्चा थोड़ी देर हम जरूर करना चाहेंगे, आएंगे उस पर भी थोड़ा सा, इस मसले को अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जो आप हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, आपको बता दूं स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे होंगे 2019 में क्या कुछ स्थिति थी, लोक पर्व 2024 का जो पहला फेज है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, और बाएं साइड में आप चुनाव का पहला चरण किन किन राज्यों में है, कितनी सीटें हैं, ये हम रख रहे हैं आप तक अभी तक 1 बजे तक। अब 3:12 हो रहे हैं इस समय, और 1 बजे तक के आंकड़े चुनाव आयोग के हमारे सामने हैं कि किस राज्य में कितने प्रतिशत की पोलिंग हुई है वो, और दाहिने साइड में किन किन मंत्रियों की किस्मत जो है वो दांव पर है, कितनी किसकी साख दांव पे है, ये हम लिख रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, और 2019 में जो चुनाव उस समय हुए थे और उन चुनावों में 102 सीटों में से किसको कितनी सीटें आई थी वो सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम जानकारियां आज इस पहले फेज के लिए जो कुछ होना चाहिए वो आप तक हम पहुंचा चुके हैं, पहुंचा रहे हैं। 16,63,00,000 मतदाता हैं आज, जिस जो मत डालकर और तमाम 102 सीटों के लिए अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। 40 सीटें उस समय 2019 में बीजेपी के खाते में आई थी, डीएमके सेकेंड पोजीशन पर थी, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी और उसी की सरकार कांग्रेस के साथ साझा सरकार है आप जानते हैं, और इंडिया गठबंधन की अहम सहयोगी है दक्षिण के हिसाब से देखा जाए तो। 24 सीटें उनके पास थी, और इसके अलावा 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी,
23 अदर्स के पास। ये 102 सीटों का आंकड़ा 2019 में क्या सूरत हाल था, लेकिन अब 2024 में क्या कुछ होगा ये हम बताएंगे। जो नतीजे राइट साइड में बिल्कुल नीचे 4 जून हम लिख रहे हैं वहां पे। इसके अलावा आज दो राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। वहां पैरेलली हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव। दो और राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से एक राज्य ओडिशा है और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश ओडिशा में अभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होंगे, लेकिन आगे हम उन चीजों को भी आप तक पहुंचाएंगे जिस दिन ये मतदान होंगे। लेकिन उससे पहले आज 21 राज्यों की 102 सीटों पे चुनाव करवाए जा रहे हैं। कुछ जगहों से खासकर उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक इलाका है वहां अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ इधर राजस्थान में, राजस्थान का जो चुरू है और ऐसे इलाके में, क्योंकि 12 सीटें राजस्थान की हैं वहाँ, और फिर मध्य प्रदेश की 6 सीटें वहाँ पे, बिहार की 4 सीटें, ये सब कुछ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। और बहुत कुछ, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें खासकर उत्तर प्रदेश से आ रही हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और जैसे अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि कुछ जगह कुछ विजुअल्स ऐसे भी आए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, और किसी भी चीज़ से आप बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते। कोई ना कोई, हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल है तो वीडियो बनेगा, इसीलिए बच के रहिए। अगर चोरी कर रहे हैं तो इतनी कोशिश जरूर कीजिए कि पकड़ में ना आए, क्योंकि अभी एक बंदा पकड़ाया है और वो फर्जी वोटिंग कर रहा था, मुजफ्फरनगर की बात है। तो ये सब कुछ, और इसके साथ साथ इधर एक केस चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, उस केस में थोड़ा सा बता दूं फिर उस पर आगे चर्चा जरूर करेंगे। केस में ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी ने कल कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आम खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, ताकि उनको शुगर लेवल उनका बढ़ जाए और फिर उनको उस आधार पे बेल मिल जाए। इस पर आज सुनवाई, और उस सुनवाई में क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये एक बहुत ही मजेदार, यहां पर इस चुनाव के बीच ये बात क्यों आप तक रख रहा हूं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं कि ये केस एक बहुत ही मजेदार केस है कि अरविंद केजरीवाल आम इसलिए खा रहे हैं, मिठाइयां इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाए और वो जेल से छूट जाए, उनको छोड़ दिया जाए, जेल से बेल मिल जाए उनको। लेकिन इस बात में कितना दम है ये आम आदमी पार्टी के वकील उधर बता रहे हैं कोर्ट में, और ईडी के वकील क्या कुछ कह रहे हैं ये सब कुछ, और कोशिश कर रहे हैं हम कि आम आदमी पार्टी से किसी इस केस को समझने वाले किसी प्रवक्ता लेवल के किसी वरिष्ठ आदमी को जोड़ लें ताकि वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एक केस अरविंद केजरीवाल का, उसकी चर्चा इसलिए भी क्योंकि चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि उनको जेल में इसलिए डाला गया है ताकि आम आदमी पार्टी थोड़ा बैकफुट पर आए और चर्चा उनके बारे में कम हो। तो ये एक पैरेलल जो चीजें चल रही हैं वो आप तक रख रहे हैं। एक पैरेलल कहानी ईवीएम और वीवीपैट को लेके भी चल रही है और उसके लिए अभी फैसला सुरक्षित है। ये फैसला अगर 4 तारीख के पहले आ जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं कल शाम को हम लोगों ने इस पे बहुत गहरी जो कहें कि चिंतन अध्ययन मनन सब हम लोगों ने किया, और उस आधार पे शाम को न्यूज पॉइंट में उस आधार पे ये लगता है कि कुछ ना कुछ फैसला आएगा और उसमें वीवीपैट की काउंटिंग को शायद मतलब उसमें संख्या बढ़ाई जाए। अब वो कितनी बढ़ाई जाती है, आज की तारीख में 5 है तो 5 को 50 किया जाता है, 100 किया जाता है, या क्या कुछ किया जाता है, 100% की डिमांड है, ये सब कुछ इन सब पे बात करेंगे। और इन सब के बीच चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया में आप और हम सब मिलकर किसी न किसी रूप से सहभागी बने हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, पहले तो अरविंद केजरीवाल का जो अद्भुत आरोप है ईडी का कि वो आम खा रहे हैं और वो जानबूझ के अपना ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं, कोई भी शुगर का पेशेंट ये नहीं करता है, ये जीवन और मौत की बात है। और 300 शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सेहत के लिए वो हानिकारक है लंबे समय तक अगर रहता है तो। और मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, मैं भी आम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आइसक्रीम भी खाता हूँ सीमा के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल
के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना तो बहुत बचकाना है, इस तरीके की कोर्ट में दलील देना कि वो जानबूझ के अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं कि बेल मिल जाए। अरे वो जानबूझ के बढ़ाएंगे तो वो यमराज को दावत देंगे, ये तो खतरे का खेल है। वो तमाम सारे अपने बॉडी ऑर्गन्स को खतरे में डालेंगे। डायबिटीज इज नोन एज साइलेंट किलर, वो बॉडी के अंदर बहुत कुछ फिर करेगा, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। इस तरीके के अनर्गल आरोप में कोर्ट को फटकार लगानी चाहिए ऐसे इस तरीके के आरोप को लेकर, पहली बात। दूसरी बात कि वो जेल के अंदर हैं, जो कुछ भी वो खा पी रहे हैं वो जेल प्रशासन की देखरेख में खा रहे हैं, और उन्होंने अगर ये कहा होगा कि वो डायबिटिक हैं तो उनके खाने पीने पे इन सब पे भी कोई ना कोई डायटिशियन कोई मॉनिटरिंग होगी। प्लस अरविंद केजरीवाल इतने समय से डायबिटिक पेशेंट है तो उनको बिल्कुल जानकारी है कि कितना ताप कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना शुगर लेना है, कितना खाना है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, उनको मालूम होगा, क्यों नहीं मालूम होगा। तो ये तो बहुत हास्यास्पद है इस तरीके इस स्तर पे अगर कोई चला जाए इस तरीके की बातें, कोई मतलब थानेदार करे कोई चौकी का सिपाही करे तो समझ में आता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस तरीके की बातें करेगा तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। दूसरी बात कि राजीव जी थोड़ा सा बड़ी पिक्चर आज के चुनाव पे देखते हैं। एक मैंने कहा था कि क्षत्रिय समाज के आने से क्या हो रहा है कि वो जो 70 और 60 के और 80 के दशक में हमने देखा था कि अजगर और खाम दो इक्वेशन थे, वो दोबारा जीवित होते हुए दिखाई दे गए, एक बात। दूसरी ये बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। दूसरी बात, अब तक का जो रुझान और मतदाताओं मतदान केंद्र के बाहर के जो विजुअल्स हैं, जो जो मीडिया का पूरा जो खासकर बीजेपी का जो मीडिया है उनका रुख देख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि अब मोदी साहब के करिश्मे में फटीग लेवल एक थकान दिखाई दे रही है, कुछ नयापन नहीं कर पा रहे हैं। एक करिश्माई लीडर को लंबे समय तक करिश्माई लीडर बने रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, कुछ ओरिजिनल करना पड़ता है, मौलिक। नेहरू अगर आज तक याद किए जाते हैं तो वो अपनी मौलिकता की वजह से याद किए जाते हैं, किसी ड्रामे की वजह से याद नहीं किए जाते। तो जो उनकी बहुत प्रेडिक्टेबल, जो आसानी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज अगर राहुल गांधी ने भाषण दिया है और उसमें एक शब्द आया है तो कल नरेंद्र मोदी के भाषण में वो शब्द होगा, तो ये अगर इतनी उनकी जो भाषण है वो इतनी आसानी से जिसको अगर समझा जा सकता है तो फिर वो करिश्मा नहीं है, अब वो लोगों ने पहचान लिया है। तो वो करिश्मा का जो फेड हो रहा है, करिश्मा मोदी साहब का, वो चुनाव के पहले चरण में दिखाई दे गया, और इसका असर आप देखिएगा कि बतौर जैसे मैं पाठक जी कह रहे थे, डॉक्टर पाठक, कि कल से ही बल्कि आज शाम से ही मोदी साहब के जो प्रचार होंगे उसमें बहुत जो हिंदू मुसलमान का जो वो डोज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे अंदाज लग रहा है आज की पोलिंग का ट्रेंड देखकर कि वो काफ़ी हिंदू मुसलमान का डोज बढ़ जाएगा। देखिए करिश्माई लीडर को राजीव जी कुछ भी चीज में वो कुछ भी बोलता है उसमें नई बात आती है, वो नई बात मोदी साहब पिछले 5-6 साल से नहीं कर पा रहे हैं। पिछला इलेक्शन पुलवामा और बालाकोट के हवाले हो गया था, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं था, अब विपक्ष बहुत होशियार हो गया है। अभी आपने तेजस्वी का भाषण सुनाया, कल हम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, दोनों में आप एक समानता देखिए कि जिसको आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जाता है या बीजेपी समर्थक मीडिया है या सरकार समर्थक मीडिया है, वो जो जिसका एक एजेंडा होता है खास एजेंडा, उससे कैसे डील करें ये विपक्ष ने सीख लिया है।
और वो लूज बॉल को कहां फेंके बाउंड्री के बाहर, वो उन्होंने सीख लिया है। अभी तेजस्वी यादव का एग्जांपल आपको दिखाई दे गया कि किस तरीके से वो रिपोर्टर एजेंडा लेकर एक आया था और बार बार पूछ रहा था, और तेजस्वी यादव ने उसको किस तरीके से हैंडल किया। तो ये कुछ जो लर्निंग है वो अभी तक के इलेक्शन की वो ये है। और दूसरा कि एक और संकेत जो दिखाई दे रहा है, दो बड़े महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहे हैं राजीव जी, मैं साइड में वो बीजेपी समर्थक मीडिया पे देखता रहता हूँ, वहां पे लगातार अमित शाह का इंटरव्यू चल रहा है चुनाव के बीच में। और एक और बात कि नड्डा जी की तस्वीर दिखाई दे गई पहले चरण में ही, तो ये दो महत्वपूर्ण संकेत हैं जो उनके मीडिया से आ रहे हैं। राजीव जी, जब उनकी तस्वीर दिखती है तब तब कहीं ना कहीं संकट में दिखाई देती है बीजेपी, क्योंकि अगर संकट में नहीं है तो प्रधानमंत्री की गारंटी है, संकट में है तो नड्डा जी हैं। और इस बीच चुनाव का दौर और सात, एक नहीं बल्कि सात चरणों में मतदान, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अल्मोड़ा में थे और वहाँ से भाषण दे रहे थे। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये हम लोगों ने पिछले 10 साल में कई बार देखा कि अगर बगल में चुनाव हो तो वहीं आसपास में प्रधानमंत्री नजर आते हैं दूसरे क्षेत्र में और वहां भाषण देते हैं। और देश के गृह मंत्री का इंटरव्यू, जैसे कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की, बार बार वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मीडिया का एक धड़ा लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह फायदा पहुंचाया जाए बीजेपी को, सीधे शब्दों में कहें तो बिना लाग लपेट के। लेकिन बात यहां सीधी सीधी है कि फायदा या नुकसान किसको कौन पहुंचाता है, कितना कौन इन्फ्लुएंस होता है, ये तो जनता के ऊपर है। यानी वोटर्स जो निकल के जा रहे हैं वोट देने जा रहे हैं, 142 करोड़ पॉपुलेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं इस देश का, और इस पॉपुलेशन में लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं, 98 करोड़ मतदाता, और उनमें से कितने प्रतिशत आज निकल के आते हैं, क्योंकि 102 सीटों पर ही आज पोलिंग है, और इन 102 में 16 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं। और इन 16 करोड़ 63 लाख मतदाताओं में जो आज अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, इन मतदाताओं में कितने लोग बाहर निकल के आते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और साथ साथ बहुत सारी दिलचस्पियां जो हैं वो दूसरे क्षेत्र में भी लोगों की बनी हुई हैं, जिसमें एक केजरीवाल का मामला है उसको आप जान रहे हैं, और बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है वो, इसलिए भी कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी देर में जैसे ही आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कोई जुड़ते हैं तो फिर उस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। केजरीवाल के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, सोमवार को सुनाएंगे। सोमवार जी जी, जी, जी बिल्कुल, उस पे वो पूरी स्टोरी अभी समझेंगे हम कि क्यों आखिर रखा है, क्या कुछ अंदर है केजरीवाल के मामले में, थोड़ी देर में उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास जरा जल्दी से आना चाहता हूं, फिर सिंधु साहब के पास आता हूं, जल्दी जल्दी इस पार्ट में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें, अब 3:30 बजने को है, शायद अभी तक अपडेट्स नहीं आए हैं अमलिंदु जी, अपडेट्स जैसे आते हैं उन अपडेट्स को, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहां कितने प्रतिशत है, हो रहे हैं अभी तक जो प्रतिशत है, प्रेम कुमार जी जरा ये आपको क्या लगता है, ये उत्साहजनक है पोलिंग परसेंट? मैंने पहले भी कहा राजीव जी कि ये वोट प्रतिशत हमें लगता है कि पिछले बार का जो मतदान है उससे 1-2% ज्यादा तक जाएगा ओवरऑल, जो इसको हम बेहतर मानते हैं आज की परिस्थिति में, ये उत्साहजनक है। 2% अगर ओवरऑल जाता है, मतलब 70 के आसपास जा सकता है ओवरऑल, 67-68 पिछले बार था। हम क्षेत्रवार देखें तो उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक मतदान चल रहा है, ये आपको 65-70 के बीच में कहीं स्थिर होगा। बिहार में भी वही स्थिति है, हाँ कुछ जगह जरूर है, जैसे मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही, मणिपुर में हिंसा के बीच मतदान प्रतिशत जो ज्यादा है, हम ये देख रहे हैं फायरिंग हुई है पुलिस की, लेकिन जो तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें वो बता रही हैं कि एक तरफा लोग बंदूक लेके दौड़ रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी है, उसको पुलिस रोक नहीं रही है। जाहिर है फायरिंग वही हुई होगी जहाँ कहीं से कोई प्रतिरोध में खड़ा हुआ होगा, तो पुलिस भी एक साइड लेकर के गोली चला रही हुई जैसा पहले हुआ था, ये तस्वीरें यही कह रही हैं। तो यहाँ पर वोट प्रतिशत का बढ़ना भी
कोई उत्साहजनक बात नहीं है, ये डर और खौफ का माहौल है मणिपुर में जो साफ साफ नजर आ रहा है, कोई भी दूर से भी देख सकता है उन तस्वीरों को। तो हर जगह वोट प्रतिशत का बढ़ना एक जैसे मायने नहीं होते, ये भी हम कहना चाहते हैं। अभी चूरू से एक तस्वीर आ रही है, चूरू जो कि आप जान रहे हैं कि बीजेपी वहां हार रही है, बीजेपी से सांसद जो आए कांग्रेस में राहुल कस्बा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक फर्जी वोटिंग रोकने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता, उसके साथ मारपीट होती है, उसका सिर फट जाता है, वो विजुअल भी मैं देख रहा हूँ आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक संघर्ष है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता यूं ही नहीं पिट रहे हैं, यूं ही खून उनके नहीं बह रहे हैं, ये एक संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई का परिणाम जो है हमें देखने को मिलेगा। ये संघर्ष पूरे देश में है और उस स्थिति में है जब माना जा रहा था कि विपक्ष के पास संसाधन पैसा नहीं है, अकाउंट सीज है, इंडिया गठबंधन सड़क पर रैलियां नहीं कर पा रहा है, इस तरह की चीजें दिख रही थी। ऐसे में कांग्रेस की कार्यकर्ता अगर संघर्ष कर रहे हैं, उनके खेमे में हलचल है और वोट परसेंटेज ये बता रहे हैं कि जोरदार मुकाबला है, पुलिस के खौफ के सामने भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है डर के घर में नहीं छुप रहा है, वोट देने के लिए खड़ा है, प्रताड़ित हो रहा है लेकिन वोट दे रहा है, ये एक डिटर्मिनेशन है, ये वोट नहीं एक संग्राम हमें नजर आ रहा है इस चुनाव में। कुछ एक प्रतिक्रिया मैंने देखी थी, एक सीनियर व्यक्ति थे, उनसे लोगों ने कहा कि क्या फर्क है 2019 और 24 में, उन्होंने दोनों हाथ उठाए और बोला कि इस बार ऐसे ऐसे नहीं है, मतलब उनका कहने का मतलब था इस बार मोदी मोदी नहीं है, यही फर्क है 2019 और 2024 में। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है, दर्शक बोल रहे हैं, वोटर बोल रहा है, वोटर प्रतिक्रिया दे रहा है, वोकल होकर दे रहा है, प्रत्याशियों को खदेड़ रहा है। आज के दिन भी बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशियों को खदेड़ा गया है, वहां पर जो लोग खदेड़ रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे, युवा सवाल पूछ रहा था तो उस पर हमलावर हो गया बीजेपी के साथ के लोग, उसके बाद में ग्रामीणों से ही उलझ पड़ा। ये बुलंदशहर की तस्वीर है, तो ये तस्वीर हर दिन बन रही। और अभी प्रशांत टंडन जी बहुत सही बात कह रहे थे कि अब सारा मामला हिंदू मुस्लिम होगा, शुरू हो चुका है प्रशांत जी, अमरोहा में नरेंद्र मोदी जी का भाषण देख लीजिए, वो उन्होंने पूरा फोकस कर दिया हिंदू मुसलमान पर। तो ये अब लक्षण दिखने लगे हैं आने वाले समय में, अब हिंदू मुस्लिम ही होगा, यही राजनीति दिखेगी, पूरे देश को ये मणिपुर बना के छोड़ेंगे। जी बड़ी बात आप आखिर में कह रहे हैं, पूरे देश को ये मणिपुर बनाकर छोड़ेंगे। सिंधु साहब आपसे जरा समझूं, आपको भी लगता है क्या कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए टफ है? और ये जो क्षेत्र में आज अभी जहां वोटिंग हो रही है, आप मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन और कृषि क्षेत्र से ज्यादा संबंधित ये क्षेत्र है और यहाँ किसान आंदोलन का प्रभाव सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, अग्निवीर योजना का प्रभाव सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है, यहां महंगाई का प्रभाव सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। ये जो तीन बड़े फैक्टर हैं आज के चुनाव में, और ये आगे आगे जैसे जैसे अगले चरण आएंगे, मुझे लगता है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में यही तीन मुद्दे हैं अपना जोर पकड़ेंगे। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, जहां तक राजस्थान की बात है, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं गंगानगर की सीट के, गंगानगर में बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है, और जो मेरे सूत्रों ने अभी बताया है, मेरे पास अभी मैसेज आया है कि वहां स्थितियां कांग्रेस की मजबूत होती जा रही हैं। अब गंगानगर से ले लीजिए, गंगानगर उसके बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, धौलपुर और इवन भरतपुर में भी, तो ये पूरी की पूरी बेल्ट है जिसमें ये स्थितियां अभी विपक्ष के लिए मजबूत होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ कठिनताएं बहुत बढ़ गई हैं। और अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद शायद अमित शाह का फिर एक दौरा है जो बाड़मेर के आसपास है, तो ये इंगित करता है कि राजस्थान में इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कितना मुश्किल हो गया है। और यही चीजें किसी ना किसी तरीके से अभी तक, क्योंकि हरियाणा की टिकटें डिक्लेयर नहीं हुए, पंजाब की ज्यादातर टिकटें अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं की हैं, लेकिन जितना विरोध अभी से
प्रत्याशियों का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हो रहा है, गांव से उनको खदेड़ने की नौबत आ गई है। और इसी प्रकार से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जहां बहुत सख्त विरोध किसानों के द्वारा किया गया है। गन्ना किसान बहुत मजबूती से अब के खड़ा है और उनकी जो शिकायत है, उनका जो एक एक आक्षेप है वो ये है कि 20 पिछले 10 बरस में सिर्फ 20 रुपए गन्ने का भाव बढ़ा है, और जबकि जो खाद के भाव हैं, जो कॉस्ट इनपुट है वो बहुत बढ़ गई। उसके अलावा जो अग्निवीर का है मुद्दा, वो भी इसी क्षेत्र को प्रभावित करता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। तो ये, और जो स्थानीय समीकरण है वहां जो जातीय समीकरण है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, जिनमें त्यागी समाज है, जिनमें सैनी समाज है, ये भी उनके विपक्ष में है। और जो राजपूत समाज का एक मुखर विरोध पूरे उत्तर भारत के हर इलाके में दिखाई देने लगा, जो गुजरात से शुरू हुआ था, वो स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी तकलीफ की स्थिति पैदा करने वाला है। और मुझे लगता है कि अब की ये जो चुनाव है, जिस इस चुनाव को जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के पैटर्न पे किया जा रहा था, वो अब के इस चुनाव में 2024 में ये फॉर्मूला सफल नहीं हो रहा, और ये चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पे और स्थानीय प्रत्याशियों की अपने कार्य पे और उनकी क्षमताओं पे आके टिक गया है। ज्यादा मतदान, अब तक सबसे ज्यादा मतदान त्रिपुरा में 3 बजे तक के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं, और स्क्रीन पे आप थोड़ी देर में वो अपडेट भी देखेंगे। त्रिपुरा में अब तक सबसे ज्यादा मतदान की बात आ रही है, पहले भी त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान 1 बजे तक भी हमने देखा था, और अब 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी यही बता रहे हैं कि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, और उसकी संख्या जो है वो 68.35% है। 68.35% मतदान हुआ है 3 बजे तक त्रिपुरा में, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 66.34%, पश्चिम बंगाल में एक नहीं बल्कि 3 बजे तक 66.34%, उत्तर प्रदेश में अब तक 47.44%, उत्तर प्रदेश में, और तमिलनाडु में 51%। उत्तर प्रदेश में कम है, आंकड़े जो बता रहे हैं वो कम है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, और मध्य प्रदेश में 53.4% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है 3 बजे तक। त्रिपुरा में अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान अभी आज की तारीख में हम देख रहे हैं, 68% से ज़्यादा, 68.35% त्रिपुरा में मतदान। तो 3 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.34% मतदान हुआ है। त्रिपुरा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और इसके बाद बाकी राज्य ये सब। तो ये तमिलनाडु में 51% मतदान है, बाकी आंकड़े आप तक जैसे जैसे हम स्क्रीन पर अपडेट करेंगे और आप तक और पहुंचाएंगे। पुदुचेरी में भी 58% मतदान की खबर आ रही है, और इसके अलावा मणिपुर में 63% की मतदान है, और मध्य प्रदेश में 53.40%, जम्मू कश्मीर में 57%, छत्तीसगढ़ में 58%, बिहार में बहुत कम है, 39.73% बिहार में अभी तक है मात्र, असम में 60% से ज़्यादा मतदान है, 60.70%, अरुणाचल प्रदेश में भी 54% है, जबकि अंडमान निकोबार में 45%। तो अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश में अभी तक मात्र 47% उत्तर प्रदेश में है, और उत्तराखंड में मात्र 45%। ये आंकड़े आप देख रहे हैं, और अभी तक यानी 3 बजे तक, 3:38 इस वक्त का समय, अपडेटेड जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े हम तक हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर टर्नआउट ऐप चुनाव आयोग का, उस आधार पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि त्रिपुरा में अभी तक 3 बजे तक 68.35% की वोटिंग हो चुकी है, पोलिंग हो चुकी है। तो ये आंकड़े हम आप तक धीरे धीरे, जो भी है, आप हमारे लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन देख रहे हैं वहाँ पर ये अपडेटेड आंकड़े आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बिहार में सबसे कम मतदान दिखाई दे रहा है, बिहार की स्थिति जो है वो 39.73% बिहार में है, और लेकिन छत्तीसगढ़
के आंकड़े को ठीक कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में 58.14% है और ये आंकड़े आप तक हम स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। अब सीधा हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। बहुत कुछ आप देख रहे हैं इन आंकड़ों के आधार पर, जल्दी से ये आंकड़े, इन आंकड़ों पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कुछ कहते हैं ये आंकड़े और मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या ठीक हैं या कम है? समाप्त होगा और आखिरी में एक आध घंटे बाद तक जब कंपाइलेशन होगा, मुझे लगता है ये आंकड़ा बढ़ेगा। अभी बिहार को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में ठीक ठाक मतदान चल रहा है। अगले 6 चरणों में बड़ी चुनौती है विपक्ष के लोगों के सामने, वे कितना मतदान करा पाते हैं, वे अपने मतदाता को कितना मतदान केंद्र तक लेकर आ पाते हैं, ये बड़ी चुनौती है। कई बार ऐसा होता है कि या तो मतदाता उदासीन होता है तो वोट देने नहीं जाता। इस बार एक चर्चा कम देखने को मिल रही है कि नोटा को लेकर, शुरू शुरू में ऐसा लगा था कि नहीं, किसी को नहीं देना है, नोटा को वोट देंगे, वो प्रवृत्ति इस बार मुझे कम दिखाई दे रही है। मतदाता बिल्कुल स्पष्ट है, आर या पार, उसने मन बना लिया है कि उसे क्या करना है। वोट देने जाने से कई दिन पहले आमतौर पर मतदाता अपना मूड बना लेता है, तो आज के बाद के जो चरण होंगे उनमें भी देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है। ये तो पहला चरण है, अभी तो 6 चरण है, लंबा चुनाव 1.5 महीने। डॉक्टर साहब, जरा आपको रोकना चाहूंगा, सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनसे जरा समझना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के केस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी आपने बताया था डॉक्टर राकेश पाठक जी की, उस केस के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, सुनवाई पूरी हो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कल ईडी की तरफ कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा मीठा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें आम हो या मिठाइयां हो, ताकि डायबिटीज लेवल जो है उनका बढ़ जाए और उस आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। सर्वेश मिश्रा जी, जहां तक मैं समझा हूं इस केस को, और चूंकि इतनी खबरें ही आती रही और इस आधार पर ईडी ने जो रिपोर्ट लगाई उस पर आप लोगों ने भी आज जवाब दिया है, क्या कुछ है जरा बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये रिपोर्ट शायद मुझे लगता है आप लोगों ने भी पेश की होगी कोर्ट में, क्या कुछ कोर्ट में चला सर्वेश जी? सर शुक्रिया मौका देने के लिए। देश का जब देश में जब 103 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, इस समय पूरे देश को काम पर नहीं आम पर अगर भारतीय जनता पार्टी ला रही है, तो किस तरीके से वो भारी तरीके से हारने जा रहे हैं इसका पूरे देश को दिख रहा है। किस तरीके से कल एक देश की सबसे बड़ी एमिनेंट और प्रोमिनेंट कही जाने वाली संस्था ईडी ने कोर्ट के सामने क्या दलील दी? कोर्ट के सामने उन्होंने दलील दिया कि अरविंद केजरीवाल जी आम खा रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। कल पूरे नेशनल टेलीविजन के कई प्राइम डिबेट्स सेट हो गए इस पे, कैसे उन नैरेटिव सेट करने के लिए डिबेट को सेट किया जाता है सब लोग जानते होंगे, और उस पर चर्चा होने लगी, आम कितना खा रहे हैं, कौन सा आम खा रहे हैं, कैसा आम था, कैसे खा रहे हैं, आम चूस के खा रहे हैं, काट के खा रहे हैं, बहस होने लगी। आप सोचिए, असलियत ये है आज कोर्ट के सामने आम आदमी पार्टी के हमारे जो वकील थे उनकी जो दलील पेश हुई उसमें एक एक चीज उन्होंने ऐसे साफ कर दी, उनकी कलई खुल गई। 48 बार उनको खाना गया है, और कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स द्वारा एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें खाना जाता है, 48 बार उनको खाना गया, जिसमें डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 3 बार मैंगो के कुछ पीसेस गए, 3 बार, आखिरी बार आम 8 तारीख को गए थे 3 पीसेस। देखिए, मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि किस तरीके की चर्चाएं लोग इस समय करवा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी के हम लोग भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं, इनकी पोल खोलनी, इनकी कलई खोलनी भी जरूरी। 48 बार में 3 बार मैंगो के पीसेस गए हैं, जो कि डॉक्टर्स बकायदा बताते हैं कि डाइट में इस तरीके से इंक्लूड है, और किसी तरीके की अब तक कोई शुगर फ्री, कोई शुगर मिठाई नहीं है उनको, कुछ मिठाइयां विद शुगर फ्री मिठाइयां आती हैं, उसमें ऐसे चीजें शुगर फ्री मिठाइयां आती हैं वो गई हैं, किसी तरीके का कोई भी मीठा उन्होंने आज तक, कोई चाय उन्होंने मीठे की नहीं पी है। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज मैं आपको बता दूं किस तरीके की चीज है, जो कि अच्छा किया ईडी वालों ने दलील दे दिया, वो 50 यूनिट इंसुलिन का इंजेक्शन उनको लगता है।
हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनको इंसुलिन उपलब्ध कराई जाए। वो 30 सालों से शुगर के पेशेंट हैं, पिछले 12 सालों से इंसुलिन देते हैं, 50 यूनिट की इंसुलिन उनको प्रिस्क्राइब्ड है जो कि उनको मिल नहीं रही है। डॉक्टर से 15 मिनट की कॉल, वीडियो कॉल जिसकी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी उनको नहीं मिल रही है, उसका भी हमने निवेदन किया है। आप खुद बताइए कि एक मुख्यमंत्री को उनकी जो दवाइयां नियत हैं वो नहीं मिल रही हैं, ये कितना घोर अमानवीय काम है। भारतीय जनता पार्टी शारीरिक और मानसिक तौर पे भी हमारे नेताओं को तोड़ना चाहती है। क्या वो अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो दिल्ली के लिए इतना काम करते हैं, एक व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति में काम की राजनीति को स्थापित किया, अगर काम से आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आप उसकी जान लेकर उसे तोड़ना चाहोगे? आपने सांसद संजय सिंह जी की वो इंटरव्यू देखे, कैसे आपके चैनल पे ही वो बैठ के बता रहे थे कि शुरुआत के 11 दिन कितने कठिन थे जेल में, वो मानसिक तौर पे प्रताड़ना ही तो देने की साजिश थी। बाथरूम तक में आपने कैमरा लगाया हुआ था। आप सोचिए, शुरुआत के दिनों में सांसद संजय सिंह जी ने, मुझे याद है, आपके डीवी लाइव पर ही बैठ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि शुरुआत के 11 दिन कितने कठिन थे और बाथरूम तक पे कैमरा लगा हुआ था। मतलब किस तरीके से इंसान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनका भी हनन हो रहा है। आपने एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है, आप चुनाव हार रहे हैं इसके डर से गिरफ्तार किया है, आप राजनीतिक तौर पे चुनाव में नहीं लड़ पा रहे हैं इसलिए आपने फैसला लिया, चलो ठीक है हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जेल में भी आकर। लेकिन अब क्या आप मानवीयता के इतने निम्नतम स्तर पे कि आप उनको इंसुलिन दी जा रही है वो भी नहीं देने दोगे? अगर डॉक्टर कोई डाइट चार्ट दे रहा है कि इस हिसाब से जाएगा तो भी नहीं होगा। और आप खुद सोचिए कि कैसे परसों के दिन आईटी सेल वाले बीजेपी के इस खबर को लीक करते हैं, आईटी सेल वाले लोग इस खबर को लीक करते हैं और उस खबर को लीक करने के बाद कल वही दलील ईडी कोर्ट में देती है। कितनी शर्मनाक बात है कि जो आईटी सेल वाले 3 दिन पहले से फैला रहे हैं वही सेम फैक्ट ईडी के वकील कोर्ट में दे रहे हैं। कल आज उनका हमने जवाब दिया है और जवाब में कैसे बताया है कि आप एक मुख्यमंत्री के साथ, एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति में काम की राजनीति स्थापित की, बिजली पानी स्कूल की अस्पताल की राजनीति को लेकर आए, ऐसे व्यक्ति को मारने की साजिश रच रहे हो आप। जो इंसुलिन दी जा रही है उसको नहीं दे रहे हो, अब बकायदा इसका आधार भी दिया और कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया, कोर्ट ने तुरंत जेल अथॉरिटी को कहा कि आप 10 मिनट के अंदर सभी कागजात उपलब्ध करवाइए। और आपको सोचिए कोर्ट ईडी के पास कैसे कोर्ट जेल के वो कागज आ जाते हैं, वो तो कोर्ट के पास जाने चाहिए। कौन है इन साजिशों के पीछे, कहां लीक कराते रहते हैं लोग? अरविंद केजरीवाल जी को साफ तौर पे ये जान से मारना चाहते हैं, उनके मन की मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं लोग और उसी के लिए सब कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज इनकी कलई खोल दी, वहां पे पूरे देश में असलियत बता दिया कि ऐसे ऐसे हैं। देश में आज पहले फेज का चुनाव है, कहां कहां मुद्दों पे बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, कैसे आप रोजगार दोगे इसकी बात कर लो, कैसे आप, हालात ऐसे खराब है कि लड़का आईएएस बन जा रहा है और माँ बाप के पास सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है, ये सब असलियत ना खुल जाए इनकी, इसीलिए चुनाव के पहले काम की जगह आम को लेकर आए हुए हैं। चुनाव के समय काम को नहीं बल्कि आम को लेकर आए हैं, लेकिन ये आम की बात आई कैसे और सबसे पहले वो आईटी सेल तक कैसे पहुंच गए सर्वेश जी, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम लोग भी अभी चर्चा कर रहे थे, हम लोग भी यही कह रहे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया जा रहा है ईडी की तरफ से कि वो आम इसलिए ज्यादा खा रहे हैं, मिठाइयां ज्यादा खा रहे हैं ताकि डायबिटीज लेवल जो उनका है वो बढ़ जाए और उनको बेल मिल जाए। लेकिन इतनी सारी चीजें कहां से आ गई और ये पहले से कैसे ये बातें लीक हो जाती हैं, उसके बाद फिर ईडी उसी बात को वहां रखती है और फिर आज उस पर दलीलें पेश की जाती हैं। आप लोगों ने क्या कुछ दलीलें इस पे दी हैं? राजीव सर, पहली बात तो अब इसमें इनके झूठ का हमने पर्दाफाश किया है। 48 बार उनको खाना गया जिसमें 3 बार मैंगो के पीसेस गए हैं। ये कल 18 तारीख थी जो ये दलील दे रहे हैं कि ये रोज आम ज्यादा खा रहे हैं। आखिरी बार 8 तारीख को उनको आम, जो मैंगो छोटे पीस, आखिरी बार 8 तारीख को उनको आम गया है 10 दिन पहले। आप सोचिए किस तरीके की शर्मनाक है। सर्वेश जी एक बात ये बताइए कि खाना क्या खाना है उनको, ये तो जेल तय करता है ना।
खाना देखिए कोर्ट के आदेश के बाद उनका खाना उनको जाता है और एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जो कि जेल अथॉरिटी के हिसाब से जो डॉक्टर हैं उन्होंने डाइट चार्ट बना उसके अकॉर्डिंग एक एक उसमें जाता है, अपने मन से नहीं जा सकता है। अभी सांसद संजय सिंह जी भी थे, उनको भी बकायदा उसी फॉर्मेट में एम्स के डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, वो जाता है, वो तय करने वाले नहीं होते। और उनका वो 30 सालों से शुगर के पेशेंट है और इंसुलिन जो ड्रग लेते हैं वो ऑलरेडी लाइफ सेविंग ड्रग्स में मेंशन्ड है, लाइफ सेविंग ड्रग्स में। अगर भाजपाई तो ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, इनसे मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं, और इनके आईटी सेल वाले तो कहीं से भी कुछ भी नहीं है, तो इनसे तो मैं उम्मीद, लेकिन देश की जनता तो जानती है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होते हैं। और उनको आप 50 यूनिट लाइफ सेविंग ड्रग्स उनको इंसुलिन लगती है, उसको आप दे नहीं रहे हो। उसके बाद भी वो 8 तारीख को उन्होंने आम खा लिया, इसकी चर्चा आप 18 तारीख को कह रहे हो और कोर्ट में ये कह रहे हो देखिए जी वो आम खा रहे हैं इसलिए उनका शुगर बढ़ जाएगा और इसलिए उनको बेल मिल जाएगी। मतलब साफ तौर पे आप ये दिखा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके पास कुछ नहीं है, वो आम खा के भी बेल ले सकते हैं। ईडी वालों ने साफ साफ पूरे देश को भी दिखा दिया कि वो आम खाकर भी अपनी बेल ले सकते हैं। ईडी का फर्जीवाड़ा इस तरीके से चल रहा जी। प्रशांत जी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे, कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रशांत जी इस पे? नहीं, मैं तो राजीव जी ये पूछना चाहता हूं कि ईडी के लोग क्या डायबिटीज एक्सपर्ट हो गए, क्या ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं? तो मैं भी इनसे कंसल्ट कर लूं भाई। जहां तक आम या मीठे खाने की बात है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कई बार इंसुलिन की डोज लेने पर आपको मीठा खाना पड़ता है क्योंकि वो शुगर लेवल अचानक गिर जाता है। मैं भी जब आपसे लाइव बात करता हूं तो बगल में चॉकलेट रखता हूं। तो ये कोई भी जो नॉर्मल शुगर पेशेंट है वो ये सब ये जानता है। ये ईडी के लोग कहां से इसके एक्सपर्ट हो गए, ये बड़ी अद्भुत बात है कि ईडी के लोग इस बारे में कहां से एक्सपर्ट हो गए कि आपको उस और कोई डायबिटिक पेशेंट राजीव जी अपना, जैसे मैंने पहले कहा, अपना शुगर लेवल क्यों बढ़ाएगा? वो तो आत्महत्या करने के बराबर है, ये क्यों करेगा कोई? इसमें तो जज को फटकारना चाहिए इनको और इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने कहां से ये कोर्स किया, किस मेडिकल कॉलेज से कोर्स किया जो तुम ये बात कह रहे हो। सर्वेश जी जरा बताइए, कोर्ट में क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई क्या? जरा कोर्ट की चीजों को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, आपके जरिए जरा समझना चाहता हूं। आप लोगों ने तो तमाम बातें तमाम दलीलें रखी हैं लेकिन क्रॉस क्वेश्चन भी जज की तरफ से आया है क्या? और इस मसले पे ईडी का आज कुछ और भी इनपुट था क्या? देखिए, ईडी के पास कोई भी तथ्य और तर्क नहीं है, उनके पास ऐसी बेबुनियाद बातें हैं जिसमें मीडिया में फालतू की चीजें चर्चा में आ सके। ईडी इन केसेस का मीडिया ट्रायल करा रही है, ये पूरे केसेस का है। मतलब कल भी आप इस समय सोचिए कि देश में जब मीडिया का ये काम मेन स्ट्रीम चैनल्स पे होना चाहिए था कि कैसे कल पहले चरण का चुनाव है, कैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो कल प्राइम टाइम डिबेट्स पे काम की नहीं आम की चर्चा हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं से उनका एक काम था। और कल जिस तरीके से हमने आज कोर्ट में वो पेश किया, कल भी हमने पूरे डॉक्यूमेंट और एक एक चीज पेश की। भाई आपको देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, जब आप इनसे मुकाबला करेंगे, हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारे पास दिमाग के संसाधन की कोई कमी नहीं। हमने इनके जितने चीजें थी एक एक चार्ट बना के हमारे वकील ने कोर्ट में पेश कर दिया कि ये लीजिए शुगर का जो लेवल है वो तब जब से गए हैं वो तब से लेकर आज तक क्या है, कितने टाइम खाना गया, किस बार खाने में क्या गया। और पहली बात एक बार मैं आपको बता दूं कि खाना गया तो गया, ये जरूरी नहीं होता वो खाना खाए भी, क्योंकि डॉक्टर्स का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जाता है लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है। और अक्सर भी वो अपने फूड च्वाइसेस को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत दिनों से है तो खुद भी ख्याल रखते हैं काफी ज्यादा। और इंसुलिन की जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं उस पर तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि भाई आप आखिर में जेल अथॉरिटीज क्यों नहीं दे रही है। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस देखिए बना हुआ है। जैसे प्रशांत सर ने ही बताया कि जैसे ईडी को हम लोग पहले ईडी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाला काम ईडी के पास हो सकता है कि ईडी उसका भी हेड हो। तो ईडी देखिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी डिपार्टमेंट भी है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी है, और ईडी के पास अब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हो सकता है कि हो सकता है, ये तीसरी नई विधा उनके पास आई। देखिए ईडी इस समय को चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, तो ये उसके जितने भी प्रोपोगंडे हैं चुनावी प्रोपोगंडे हैं।
अगर उनको इस केस में जांच करनी होती तो 2 साल से इस केस की जांच चल रही है, इस केस में उनके पास ऐसा कोई मामला नहीं आता, क्योंकि कुछ भी नहीं है। इस देश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ आरोप तक नहीं था, वो आरोपी भी नहीं थे, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था और फर्जी मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको मीडिया में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के इमेज को नुकसान के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना है, तो हर दिन अपनी खबरें फैला देते हैं। और ईडी, वही ईडी जो कहना चाहता है वही भाजपा का आईटी सेल कहता है, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इनके कुछ गिने चुने प्रोपेगेंडा वाले जर्नलिस्ट हैं, वो पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। खबरें पहले लीक कराई जाती हैं, फिर उनके पास जाती हैं, वही दलील कोर्ट में दी जाती है। तो इस पूरे प्रोपेगेंडा को ये देश देख रहा है। 2024 में जो इनकी हार होने जा रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में, इसी हार के डर के, इस डर से ये सब कर रहे हैं ताकि कहीं से भी काम वाली राजनीति की चर्चा ना हो पाए, कहीं से भी स्कूल और अस्पताल वाली राजनीति की चर्चा ना हो पाए, कहीं से भी कांग्रेस जो 30 लाख रोजगार देने की बात कर रही है उसकी चर्चा ना होने पाए, इसी की वजह से डर के ये सब कर रहे हैं। जी, आलू पूरी और आम ये सब खा रहे हैं केजरीवाल, और परसों से खूब इसकी चर्चा और अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन की सुर्खियां, और सामने चुनाव है, चुनाव की चर्चा नहीं बल्कि चर्चा जो है वो केजरीवाल खा रहे हैं। आलू पूरी, पूरी आलू आम ये सब खा करके अपने जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें बेल मिल जाए। इस बात में कितना दम है और ये बात कितना कोर्ट में वहाँ पर एस्टैब्लिश होती है, लेकिन उससे पहले हास्यास्पद इसलिए हो जाती है क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और एक मुख्यमंत्री अपनी ही सेहत खराब क्यों करना चाहेगा, इसलिए क्योंकि उसे जमानत मिल जाए। अपने आप में ये सोच, अगर सोच कर दोस्तों देखिए तो आपको लगेगा, खुद ब खुद लगेगा कि ये सब एक फर्जी खबरें जो बनाई जा रही हैं किसी न किसी रूप में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसी बात यहाँ सर्वेश मिश्रा जी कह रहे हैं। सर्वेश जी, लेकिन एक बात और समझना चाहता हूं, अब यहां से आज इस मामले को सुरक्षित रख लिया गया है और लेकिन आप लोगों को क्या उम्मीद है कोर्ट से, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि आईटी सेल और ईडी दोनों मिले हुए, और जो आईटी सेल कह रहा है एक दिन पहले वही ईडी वहां दे रही है, सुपुर्द कर रही है साक्ष्य के रूप में, लेकिन आपकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी हैं उन बातों में कितना वहां दम दिखाई दे रहा था? आप अपनी तरफ से तो कहेंगे ही कि बिल्कुल है, हम उन तमाम साक्ष्यों को यहां रखे हैं, लेकिन कोर्ट को की तरफ से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? क्या कोर्ट इन तमाम दलीलों पर वहां पॉजिटिव नजर आया? देखिए, निश्चित तौर पे और हमें तो 99.9% के 100% उम्मीद है। देखिए, ये सब तो मानवीयता के आधार पे, इसमें तो किसी मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति की बात नहीं, तो आम से अधिकार है, ये बहुत ही सामान्य अधिकार है जो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप किसी उपचार का अधिकार, मतलब आप स्वास्थ्य के लिए, तो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, कैसे नहीं हो सकता है? जेल में जो कुख्यात अपराधी हैं उनको भी मिले हुए हैं। अब वो बात अलग बात है कि भाई कुख्यात अपराधियों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी वैसे रहेगी, क्योंकि वो खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ, संजय सिंह जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ वो लोग ऐसे नहीं रहेंगे। आज किस तरीके से हमारे सांसद संजय सिंह जी ने बताया, वो 11 दिन शुरुआत के कितने कठिन थे उन्होंने बताया। आप सोचिए, आप एक बार खुद सब लोग सोच के देखें कि क्या अगर आपके बाथरूम में कैमरा लगा दिया जाएगा 11 दिन तक, और जब आपको पता चलेगा कि आप जिस बाथरूम में नहा रहे थे उसमें कैमरा लगा हुआ, तो क्या मानसिक स्तर होता होगा, क्या मानसिक स्थिति होती होगी? ये सब मानसिक प्रताड़ना ही है, इस तरीके की चीजें ही है। और ये बात देखिए क्या है कि देखिए, हम लोग राजनीतिक संघर्ष में है, कई बार सोच के चलते हैं कि सत्ता से संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग इनसे लड़ेंगे, ये अपने हथकंडे आजमाएंगे। भाई, ये निम्न के भी निम्नतम स्तर पे हैं, कोई बात नहीं, हम तब भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति के अधिकार होते हैं वो तो देना भी पड़ेगा। अरे मतलब सड़क पे कोई व्यक्ति किसी को गोली मार देता है, गोली लग जाती है, उसको भी तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और इस तरीके की बातें ऐसे चर्चा में की जा रही हैं, मतलब कई बार तो ऐसे वक्त पे की जा रही हैं कि और हास्यास्पद लग रही हैं। हम लोगों को खुद भी ऐसी लग रही हैं कि आप लोग साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं, और आप ऊपर से चर्चा में बना रहे हैं कि वो आलू पूड़ी खा रहे हैं, वो आम ज्यादा खा रहे हैं। अब तो बताइए, हम लोगों को भी गिन के देना पड़ा आंकड़ा,
कि आलू पूरी रामनवमी के दिन जो पूजा का प्रसाद होता है वही एक दिन गया है और रिकॉर्ड में है। आलू पूरी सबको पता है कि रामनवमी के एक दिन बनता है और एक दिन वो जाके उसके प्रसाद वाले पीसेस में रखे हुए थे। अब एक एक आंकड़ा हमने जारी कर दिया कि किस दिन खाने में क्या गया, और वो बकायदा जेल अथॉरिटी से चेक होती है, एक एक चीजें तब जाती है। ऐसे नहीं भेज सकते हो आपकी टिफिन लेके गए और जेल में कुछ भी आप लेके चले गए, और अब एक एक चीजें तय करके दी जा रही हैं और डॉक्टर्स के अनुसार हैं और हमने सब नियमों का पालन किया है, कोर्ट के आदेश के बाद जाता है सब कुछ। अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी और इनके द्वारा प्रोपेगंडा मशीन जो इनकी है ईडी, अगर उनको लगता है कि वो इन सब बातों से अरविंद केजरीवाल को जेल में, तो में माना कि पीएमएलए कानून है, माना कि आप इस कानून के तहत अपनी सब तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई की भी एक ताकत है, लॉ की भी एक लिमिटेशंस है, लॉ की भी एक अति है। हमें तो विश्वास ही है कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और जल्द ही वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं। आप अगर ये सोच ले रहे हैं कि उनके हौसले को आप इस तरीके से तोड़ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आ देखिए, हमें किसी तरीके से कोई डर नहीं है इनसे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, जेल से लगातार सरकार चला रहे हैं और मजबूती से जो हमारी सरकार चल रही है, जो हमारा चुनावी प्रचार हो रहा है, इंडिया अलायंस के साथ जो हमारा अच्छा टाइप चल रहा है, उसकी वजह से घबरा की वजह ज्यादा प्रेशर आ गया है, इतना प्रेशर है कि कैसे भी रोजाना अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को डेंट करते रहो, इनको नुकसान पहुंचाते रहो, क्योंकि इनका वोट हर दिन घट रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के लोग एक दूसरे से लाठी लठौल कर रहे हैं। भाई मोदी जी तो जाके अपना सेटिंग कर दिए उन्होंने कि आ जाओ भाई तुम आ जाओ, और वहां पे नीचे आरएलडी और बीजेपी में डेली लाठी हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। तो इनको अपनी असलियत दिख रही है और उसका परिणाम ही है कि जो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप कार्रवाइयां करवा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि मामला क्या है। मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आप जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट है वहां पे, कि उनको कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए अनुमति दी जाए। हालांकि इस याचिका को उन्होंने गुरुवार को वापस ले लिया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से उसे दायर किया गया है। शायद यही है ना सर्वेश जी, मामला यही है। मामला एकदम यही है और उसी को हमने दायर किया है। जो हमारे डॉक्टर से 15 मिनट की बातचीत है उसकी मांग की है, जो इंसुलिन हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है वो किया जाए, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है और उनका ब्लड शुगर कभी भी लो हो सकता है। तो जो भी कोर्ट के आदेश के बाद जो हमें अधिकार मिले हैं, जो एक सामान्य कैदी के अधिकार होते हैं, उन्हीं की मांग हम कोर्ट में कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की विशेष चीज की नहीं कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश चल रही है और उस साजिश के तहत उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं दी जा रही है, जिससे उनकी जान को सीधे तौर पे खतरा है। दो तीन बातें पैरेलली चल रही हैं। एक तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इसके जरिए, उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन की अनुमति दी जाए, और इसके लिए जब उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाया तो वहाँ ये खबर आने लगी कि अरविंद केजरीवाल आलू पूड़ी खा रहे हैं और साथ में आम भी खूब खा रहे हैं, उनका खुद डायबिटिक हैं कह रहे हैं और उसके बाद ये सब कर रहे हैं। इसके पीछे की जो राजनीति है, क्योंकि राजनेता है इसलिए राजनीति वर्ड यूज कर रहा हूं, वो ये है कि उन्हें इस आधार पे उनका ब्लड शुगर बढ़ जाए और इस आधार पे उन्हें जमानत मिल जाए। ईडी ने अपनी बात वहां रखी, लेकिन उसके बाद इन तमाम बातों को खारिज करते हुए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है, पूरा चार्ट दिया गया कि कब कब क्या क्या उन्होंने खाया है, और अब फिर से ये याचिका लगा दी गई है कि कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए उन्हें अनुमति दी जाए। तो यही है ना सर्वेश मिश्रा जी, एकदम आपने जो कहा है यही मामला है और ये बहुत ही सामान्य अधिकार हमने मांग की थी। और लेकिन इसमें देखिए, पूरे आईटी सेल पे भारतीय जनता पार्टी के भक्तों का समूह है, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, ये उनका दिन भर का काम है। तो उनको ये सामान्य सी चीज भी नहीं समझ में आती है कि एक जो सामान्य कैदी के अधिकार होते हैं उन्हीं की मांग रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि जब तक अगर उस तथ्य को
बेल का बेसिस नहीं बनाएंगे तो उस पर कैसे कुछ ग्राउंड कैसे हो सकते हैं। हमने तो कभी ग्राउंड बनाया ही नहीं ब्लड शुगर को, हमने कभी बेल में ऐसी बात जिक्र ही नहीं की, उनका बेल अभी तक लगी ही नहीं, अभी तो अरेस्ट चैलेंज है। तो इस तरीके की बातें जो ईडी दे रही है वो हास्यास्पद है कि जिस अभी हमने बेल अप्लाई नहीं की, हम तो उनके अरेस्ट के ग्राउंड को ही चैलेंज हमने किया हुआ है क्योंकि हमें उनकी गिरफ्तारी अवैध दिखती है। तो जिस बातों को हमने कोर्ट में दाखिल ही नहीं किया है, जो अभी लेकर ही नया है ना, हमने आधार बनाया उसके आधार पर कैसे हो सकता है? और कोई व्यक्ति अपनी जान लेकर क्यों भाई बेल चाहेगा? अरे वो सीधे तौर पर आप बताओ कि आप जान लेना चाहते हो क्योंकि आप इंसुलिन नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, जेल में आप इंसुलिन नहीं प्रोवाइड करा रहे, सीधे तौर पे दिखता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का पोल हर तरफ खुल जाता है। जैसे शराब घोटाले की बात इन्होंने की, शराब घोटाले वाले ने 7 करोड़ चंदा ले लिया, अभी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसमें इनका मामला खुल गया कि देखो नुकसान तो तुम्हें इंसुलिन दे के नहीं कर रहे हो, हम तो अच्छा था कि हम कई दिन से एप्लीकेशन लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों को जो इनके कम दिमाग वाले आईटी सेल के इनके भक्त है, इन्होंने हमारे मामले को ऊपर उठा दिया और इन्होंने बता दिया बस। हाँ लेकिन कई बार हमें दुख होता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ आपका इस तरीके का बर्ताव ये बहुत अमानवीय है और इससे दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर्वेश जी तमाम जानकारियों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने बेल नहीं मांगी है लेकिन जो ग्राउंड दिया जाए, जो बातें यहां बताई जा रही हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और वो यहाँ बेल के लिए अप्लाई कर पाए। लेकिन जैसा सर्वेश बता रहे हैं कि ऑलरेडी उनकी जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज किया हुआ है। आप लोगों को हम लोगों ने एक एक रिपोर्ट कोर्ट रूम में क्या क्या बहस हुई हाई कोर्ट में वो सब कुछ बताया हुआ है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है अरविंद केजरीवाल का और इस पर सुनवाई होनी है 29 तारीख को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन एक याचिका दायर हुई थी कि उन्हें डॉक्टर से कंसल्टेशन की अनुमति दी जाए लेकिन उस पर ये कहानी ऐसी आई कि आलू पूरी खाते हैं, आम खाते हैं और कंसल्टेशन की बात करते हैं और यहां से बात दूसरी तरफ जा रही है। हमारे साथ जुड़ गई हैं बुशरा खानम जी। बुशरा जी आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल क्योंकि हम यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन के चारों तरफ चर्चा आज पहले फेज की और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, उस केस का जिक्र करना यहां लाजिमी इसलिए था क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल केस बना हुआ है और एक राजनेता एक मुख्यमंत्री जो जेल में है और उसके तरफ किस ढंग से उंगलियां उठाई जा रही हैं, वो आम खाता है आलू पूरी खाता है और इसीलिए उसका शुगर लेवल बढ़ रहा है और वो डॉक्टर से कंसल्टेशन के आधार पे कहीं ना कहीं बेल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये सारी बातें कही गई ईडी की तरफ से लेकिन आश्चर्यजनक ये जो आरोप लगा रहे हैं सर्वेश मिश्रा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बात कह रहे हैं उसमें दम है ये कि आईटी सेल के पास ये तमाम बातें पहले आ जाती हैं और ईडी उन सारी चीजों को बाद में दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है। चलिए इस केस पर नजरें टिकी रहेंगी लेकिन अब फिर से अब बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ और आप विजुअल देखिए। इस विजुअल को कई बार हम दिखा चुके हैं, ये विजुअल है जिसमें एक मतदाता से दो दो उसकी पहचान उसका पहचान पत्र मांगा जा रहा है। आखिर पहचान पत्र एक आदमी से दो दो क्यों मांगा जा रहा है? और ये सब जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय के नजर आ रहे हैं और इनसे क्यों मांगा जा रहा है? क्या इन्हें रोकने की साजिश रची जा रही है? इन सब चीजों को एक बार फिर से इस तस्वीर को जो साथी बाद में जुड़े हैं इस तस्वीर को जरूर दिखाना चाहता हूं। ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की तस्वीर और इन तस्वीरों के आधार पर आप समझ सकते हैं है कि कैसे मतदान को प्रभावित करने की कोशिश और वो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा ये सवाल भी यहां खड़ा होता है। लेकिन पहले फुल स्क्रीन इस तस्वीर को देखते हैं, इस विजुअल को देखते हैं साउंड के साथ बातें क्या हो रही हैं, फिर आएंगे चर्चा आगे बढ़ाएंगी हमारा साथ देंगी बुशरा खानम। 4 बजे का समय उनका स्पेशल समय होता है तो उनकी तरफ हम जरूर इस टॉस को रखेंगे और साथ में जुड़े हुए हैं हमारे दो साथी प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी और आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। पहले देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। अधिकारियों ने कहा है कौन से अधिकारी किस अधिकारी ने बोला है आपको किस अधिकारी ने बोला संतोष जी
आप खड़े क्यों हैं आरोप बिना बाहर हुए बताएं। किसके साथ अधिकारी ने बोला आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं आरोप बिना बाहर हुए बताएं। किसके साथ अधिकारी ने बोला आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं आरोप बिना बाहर हुए बताएं। किसके साथ अधिकारी ने बोला आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं आरोप बिना बाहर हुए बताएं। किसके साथ अधिकारी ने बोला आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास। तो ये विजुअल आप देख रहे थे, एक नहीं बल्कि कई बार हम रिपीट करके आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि आपको समझ में आए कि यहाँ पुलिस वाले जो महानुभाव हैं वो क्या मांग रहे हैं। एक जो वीडियो बना रहे हैं वो शायद पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्यों चाहिए आधार कार्ड, यहाँ ऑलरेडी है आधार कार्ड, जब है तो फिर ये क्यों। और दूसरी एक तस्वीर और भी ये देखिए, ये बुर्का उठाते हुए चेहरा दिखाते हुए, चलिए यहाँ पर इस बात को यहाँ खारिज किया जा सकता है क्योंकि महिला पुलिस हैं और वो पूछ रही हैं, दिखा रही हैं, देख रही है, पहचान के लिए इतना तक चलता है। और चूंकि महिला है इसलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बात यहां से आगे ये देखिए, ये तस्वीर भी है, एक जो शर्ट में वाले, शर्ट वाले जो भैया हैं वो जा रहे हैं, थोड़ा सा उस शर्ट वाले भैया को पीछे, हाँ ये जो हैं ये साहब अंदर जाकर किसी फर्जी वोटिंग कर रहे थे, सीधे शब्दों में फर्जी वोटिंग। तो ये भाई साहब फर्जी वोटिंग किसको कर रहे थे? ये अवैध है और ये इलीगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये काम इसके लिए आपराधिक है और इसके लिए इनको सजा दी जा सकती है। लेकिन आगे क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी नहीं है, कोशिश हम करेंगे कि ये जानकारी भी आ जाए कि ये साहब सिर झुकाए हाथ पीछे रखे आगे बढ़ते हैं, दो पुलिस वाले इनको बाहर निकालते हैं। और इधर आप बाहर अगर देखेंगे, फुल स्क्रीन लेके आ जाइए जरा, और ठीक ढंग से हम उन तमाम साथियों को दिखाएं जो बाद में हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो पीछे जो, हाँ ये जो कुर्ता पायजामा वाले हैं ये वहाँ के प्रत्याशी हैं और यही पकड़ के पुलिस के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फर्जी वोटिंग करवाई जा रही थी। तो ये सब कुछ पहले भी इस देश में होता आया है, पहली बार नहीं है। लेकिन ये है कि चुनाव, स्वस्थ चुनाव का वादा करने वाला चुनाव आयोग, शेरो शायरी करने वाले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या उनकी निगाहें नजरें यहां तक पहुंच रही होंगी? क्या उनकी नजरें निगाहें वहां तक जा रही होंगी जहां से वैसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो कहीं खराब है, कहीं बंद पड़ी है, कहीं कुछ और। और जो सबसे बड़ी बात यह कि क्या आज एक निष्पक्ष चुनाव करवाया जा रहा है, क्या आज एक ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा रहा है? ये सवाल पूछे जाएंगे और इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग कल कटघरे में था और फिजिकली कटघरे में था। यहां कोई वो बातें मैं नहीं बता रहा हूं जो लिखने पढ़ने की बात होती है, कटघरा वर्ड कई बार हम लिखने पढ़ने में भी यूज करते हैं, लेकिन यहां फिजिकली था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का कटघरा, और उसमें चुनाव आयोग का एक अधिकारी बहुत सारी ऐसी बातों को स्वीकार कर रहा था कल जो हम लोग नहीं जानते हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा था कि हां जो सिस्टम है, यानी ये तीन चीजें ईवीएम वोटिंग जिसके थ्रू आप वोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर वीवीपैट और जो वहां कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को खासकर लैपटॉप से जोड़ा जाता है और उसको उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है, ये तमाम बातें कल कही गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमलेंदु जी जरा इससे इस बात आगे बढ़ाइए कि आज का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, आज कितने लोग निकल के आते हैं और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के आएंगे तो चुनाव आयोग पे एक भरोसा बनेगा। यहां सबसे बड़ी बात है भरोसा बनाने की, क्या आपको दिखाई देता है राजीव जी? इसमें ये दोनों बात हो सकती है, लोग ज्यादा निकल के आते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा उसमें निकल के आए कि भाई आप ईवीएम से कुछ करना चाहेंगे गड़बड़ तो हम गड़बड़ होने ही नहीं देंगे, हम इतनी ज्यादा तादाद में आकर के वोट डाल देते हैं कि वो आप गड़बड़ उस तरीके से कर ही नहीं पाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये भरोसा हो कि भाई ठीक है हम ज़्यादा वोट डालेंगे तो हमारा वोट सही से गिना जाएगा और चुनाव आयोग ठीक व्यवस्था कर रहा है।
लेकिन जो अब तक राजीव जी सूचनाएं आ रही हैं उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव जो है वो हालांकि निष्पक्ष और एक तरह से कहा जाए वो स्वस्थ उससे नहीं हो रहा है, लेकिन खैर जो भी है, जो एक व्यवस्था है उसके तहत हो रहा है और कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, हो सकता है वो मशीनरी की जो दिक्कतें होती हैं वही दिक्कतें हों, कोई इंटेंशन उसके पीछे ना हो, ये भी हो सकता है कि उसके पीछे इंटेंशन हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। आरोप जो लग रहे हैं वो आरोप ही लग रहे हैं कि इसमें बहुत सी जगहों पर इंटेंशन भी है, चूँकि चिन्हित करके उन बूथ्स पे जो है गड़बड़ियाँ देखी जा रही हैं जहाँ पर के एंटी बीजेपी वोट है एक तरीके से ये कहा जाए। जिस तरीके से इकरा हसन का वक्तव्य आया, जिस तरीके से हरिंदर मलिक का ये वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से वो एक फर्जी वोट डालने वाले को खुद पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, इसी तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं उनका वीडियो आया किस तरीके से दिक्कतें ईवीएम को लेकर के आ रही हैं, कह रहे हैं कि अगर सुबह से ही 25-25-30 ईवीएम अगर ख़राब हो रही हैं तो फिर चुनाव को कराने का फ़ायदा क्या। राजीव जी जो दिक्कतें आती हैं वो सबसे ज़्यादा यही आती हैं कि जहाँ ईवीएम मशीनें ख़राब होती हैं उसके बदले में जो दूसरी मशीन आती है उस मशीन की क्या मॉक ड्रिल होती है कि नहीं होती है ये किसी को मालूम नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा घपले की आशंकाएं उन्हीं जगहों पर होती हैं जहां मशीनें ख़राब होने के बाद मशीनें बदली जाती हैं, क्योंकि मशीन ख़राब हो गई, मान ली उसमें 500 वोट पड़ गए जी, उस 500 वोट की क्या स्थिति है वो कैसे मालूम पड़ेगा, और नई वोट मशीन जो आ रही है उसमें कितना है क्या नहीं है। कल चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही राजीव सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि एक गड़बड़ी हुई थी, उन्होंने वकील ने कि एक गड़बड़ी पकड़ी गई थी और वो ऐसे पकड़ी गई थी उसमें जो मॉक पोल होता है उसका डाटा जो था वो डिलीट नहीं हुआ था ईवीएम से जी। तो एक पकड़ में आ गई थी, चलिए आप देखिए, तो उनके वकील ने कहा कि एक कमी थी, एक पकड़ में आ गई थी कि उसमें, अब जो 373 सीटों को लेकर के जो बात चल रही है 373 सीटों पे आंकड़ों में हेर फेर थी, आंकड़े अलग थे, और जिसको लेकर के जस्टिस संजीव खन्ना ने कई बार सवाल भी किए थे कि 70 और 87 में एक मिलान किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, और ये डाटा की डिस्क्रिपेंसी किस तरीके से होती है, इसको लेकर कई सवाल किए थे। तो ये जो 373 जो सीटों को लेकर की चर्चा थी उसका फिर क्या हो सकता है, क्या ये इसी तरीके से हुआ हो कि मॉक पोल के डाटा डिलीट नहीं किए गए हों, अगर कोई मान लीजिए नहीं है। दूसरा एक चीज़ ये साफ आ गई समझ में कि कंट्रोल यूनिट जो है जिससे सब कुछ कंट्रोल किया जाता है वो कंट्रोल यूनिट भी किसी से कंट्रोल होती है, ये चीज़ कल एक चुनाव आयोग के अधिकारी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर के गीता की सौगंध खा करके बताई राजीव जी कि ये कंट्रोल यूनिट जो है लैपटॉप से जुड़ी होती है, डाटा केबल के जरिए उसमें डाटा अपलोड किया जाता है। अब ये जो प्रशांत भूषण दलील दे रहे थे कि भाई जो इसको जब किया जाता है डाटा अपलोड तो आप इसमें कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी या मेलिशियस प्रोग्राम भी आप डाल सकते हैं, ये भी उसमें आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है अभी आप हमको चेक कराएंगे मशीन, अभी मशीन ठीक काम कर रही होगी, लेकिन जब पोलिंग शुरू हो जाएगी मान लीजिए सुबह 10 बजे और 4 बजे तक चलेगी तो 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो मशीन फिर ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, चूँकि उसके अंदर वो मेलिशियस प्रोग्रामिंग जो है वो पड़ी हुई है और वो 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो मशीन गड़बड़ काम करेगी जी। तो अब ये मशीनें जिस तरीके से गड़बड़ कर रही हैं या गड़बड़ी हो रही है, इसको चेक किया गया नहीं किया गया, तो ये एक तरीके से चुनाव आयोग की विफलता को आप कह सकते हैं कि इसको दर्शाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है जिस तरीके से प्रत्याशी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो इसको लेकर के भी राज्य जी बहुत सी बातें हो सकती हैं। कुल मिलाकर के लोगों का ज़्यादा निकलना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपको वास्तव में लगता है कि इस देश के लोकतंत्र पर कोई खतरा है, अगर आपको वास्तव में लगता है कि संविधान पर कोई खतरा है, अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये वास्तव में आखिरी चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल करके बाहर आना चाहिए और उस प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जिसको कि आप चाहते हैं कि हमारा वोट इसको जाए, और उसको आपको देना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, वहाँ जजमेंट रिजर्व हो चुका है, हो सकता है कल भी इस पर कोई फैसला आ जाए, हो सकता है परसों भी इस पर कोई फैसला आ जाए, 31 मई तक कभी भी फैसला आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस फैसले के राजीव जी कल जो दो दिन की सुनवाई हुई है उससे काफ़ी आशाएँ तो एक बंधी हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ सुधार तो होगा, और इस चुनाव में भी उसमें सुधार में जो संभव सुधार होंगे वो निश्चित तौर पे किए जाएंगे, भले ही ये हो कि भाई आप 50% तक जो है वीवीपैट की मशीनें उनकी गिनती करिए, यही फैसला आ जाए, ये भी आ सकता है 100% की गिनती कीजिए, ये भी हो सकता है कि भाई उसमें कुछ और चेंजेस किए जाए, लाइट हर समय चलती रहे, ये भी आदेश आ सकता है अगले उसके लिए आगे जो चरण होंगे उनके लिए, ये भी आ सकता है कि पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाए, हालांकि उसको लेकर के चुनाव आयोग जो था काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कि मतदाता के हाथ में पर्ची नहीं दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो सब चीज़ें चल रही हैं उससे एक आशा बनती है, और इसलिए भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल करके वोट करना चाहिए, चूँकि ये वास्तव में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बुशरा जी ओवर टू यू, क्या कुछ देख रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, और
एक गैप के बाद मुझे लगता है कि बहुत एनर्जेटिक आप फील भी कर रही होंगी। चुनाव का जो प्रतिशत है और खासकर त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का, ये बहुत शानदार है। और लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो बिहार की हालत तो बहुत ही खराब दिखाई दे रही है। मात्र लगभग 39% की पोलिंग 3 बजे तक, ये बहुत अच्छी पोलिंग नहीं कही जाएगी उस एरिया में। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुशरा जी, जी जाहिर सी बात है, और ये उम्मीद लग रही थी क्योंकि गर्मी के दिन हैं कि लोग अगर शहरी इलाकों में भी देखें तो अगर उन्होंने बहुत अच्छे से आराम भी कर लिया होगा तो उसके बावजूद वो अब वो वक्त है जब वो घर से बाहर अपने निकले, क्योंकि 1.5 घंटे करीब का, 1.25 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है। और इससे पहले कि हम और आगे बात करें, लोगों से फिर से आप भी लगातार डीबी लाइव लगातार सुबह से ही अपील कर रहा है कि ये चुनाव जो है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत असाधारण चुनाव है। आपको वैसे भी 5 साल में एक मौका मिलता है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें अगर आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या जो अभी सत्ता में उनको बने रहना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, हर कंडीशन में आपको घर से बाहर निकलकर वोट तो करना ही होगा। तो वोट करिए ताकि आप अपने उस वोट से एक बदलाव जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सके। इसके अलावा राजीव जी, जो लगातार आपने तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें रामपुर से आ रही हैं, तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, तस्वीरें कैराना की हैं, और ये बताने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। खासतौर पर रामपुर वो एक ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और इसके अलावा कैराना में 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, मुजफ्फरनगर में भी एक बड़ी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ विपक्ष के नेता और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वही शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं ईवीएम में गड़बड़ी की, ईवीएम खराब होने की, और अब तक 198 शिकायतें जो हैं वो सिर्फ चुनाव शुरू होने के 2 से 3 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को की गई हैं, और उसमें ज्यादातर शिकायतें जो हैं वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह का चुनाव जो है वो किया जा रहा है। एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी, बड़ी बड़ी बातें उसमें की गई थी, बहुत सारे ये कहा गया था कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, हम कितने बड़े पैमाने पर हम बूथ पर जो है वो मैनेजमेंट जो है वहां पर करेंगे, सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम चीजों की बात कही गई थी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक कैंडिडेट ये कहे कि 25 से 30 ईवीएम जो है वो खराब है, अगर एक प्रत्याशी खुद एक फेक यानी कि इल्लीगल तरीके से वोटिंग हो रही हो, उसको मतदाता को पकड़कर वो पुलिस को अगर सौंपे, तो ये आप ये देखिए कि कितने कितने बूथों पर जा सकता है कैंडिडेट, कितनी 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 जगहों पर वो इन तमाम चीजों को देख सकता है। तो ये सवाल उठाता है कि आखिर चुनाव आयोग जो एक लंबी चौड़ी तैयारी करता है, जो 7 चरणों में चुनाव करवाता है, ये कहकर कि हम चुनाव साफ सुथरा फ्री एंड फेयर करवाना चाहते हैं, सेंसिटिव जगहों पर कई कई चरणों में जो है वो चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह जहां पहले से लेकर 7वें चरण यानी हर चरण में वहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर आप ये देखिए कि किस तरह का। अब बुशरा जी, जो बातें आप बता रही हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और जी बुशरा जी, जी और एक जो आप तस्वीर आप दिखा रहे थे, जो बुरखा उड़े हुए जो महिलाएं हैं, वो तस्वीरें जो हैं वो कैराना की हैं। और देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है राजीव जी कि वो वोटिंग लाइन में नहीं लगी हुई हैं, उनको वोटिंग लाइन से अलग हटाकर उनकी चेकिंग की जा रही है, यानी कि आप पूरा जो वोटिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर रहे हैं, आप उनकी अलग से उनको हटाकर इस तरह से चेकिंग कर रहे हैं जैसे वो जैसे न जाने वो कहां पर जा रहे हैं, न जाने उनकी कहां एंट्री हो रही है। और कई उन जो मुस्लिम महिलाएं थी जिनकी चेकिंग हुई उनसे बाहर बात भी की गई। आप ये देखिए कि अगर इस तरह का मैसेज जाएगा, अगर ये तस्वीरें जाएंगी, तो अगर जो दूसरी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्का ओढ़ती हैं, वो अगर आ रही होंगी और वो देखेंगी कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, ऐसे उनकी इस तरह से चेकिंग हो रही है, तो क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा। रामपुर में हम ये देख चुके हैं कि कैसे मुस्लिम जो मतदाता है उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया था और किस तरह से फिर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी वहां पर। तो ये लगातार होता रहा है और ये अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर उसके तमाम कैंडिडेट जो हैं वो इसकी शिकायत कर रहे हैं। ये सवाल उठाता है
कि ये किस तरह की दादागिरी आखिरकार चल रही है। बूथ कैप्चरिंग की भी खबरें अलग अलग जगहों से भी आई हैं। तो ये चुनाव आयोग जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इतने लंबे 40 दिन का ये पूरा चुनाव है, अगर उसमें भी इस तरह का मैनेजमेंट नहीं है तो ये सवाल उठाता है, बहुत बड़े सवाल उठाता है। सवाल ये भी उठाता है कि क्या किसी और बूथ पर इस तरह की कोई खबर देखने के लिए मिली? आखिर वही इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं जहां पर या तो माइनॉरिटी वोट ज्यादा है और दूसरा जहां पर विपक्ष मजबूत है, आखिर वही से इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें इधर ही क्यों दिखती हैं, सबसे बड़ा सवाल। प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी बातें, और चुनाव का दिन पहला फेज, और लेकिन इस फर्स्ट फेज में क्या कुछ आपको दिखाई देता है? प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यहां पे कि क्या जो अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ दल से, क्या उन दावों में दम दिखाई दे रहा है? 102 सीटें सबसे ज्यादा सीटें हैं, अगर चुनाव के 7 चरणों में सबसे ज्यादा सीटों पर पहले चरण में ही मतदान है, उस लिहाज से भी आज एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अगर उस दिशा को, उस डायरेक्शन को देखा जाए तो आज दिन भर के भाषणों को भी जरा गौर फरमाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, राहुल गांधी के भाषण, तमाम भाषणों को अगर देखें और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखें, चुनाव की जो गतिविधियां हैं उनको देखें, तो क्या कुछ आपको नजर आता है? राजीव जी, बहुत साफ साफ ये दिखाई देता है कि आप आज के मतदान को ना भी देखें, जो ऊपर आपके फिगर चलती है, बीजेपी 40, डीएमके 24, आईएनसी 15, इसको जरा यूपीए और एनडीए में कन्वर्ट करें तो आज जो 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें एनडीए और यूपीए के 46-46 बराबर हैं। अब उस एनडीए में से शिवसेना इंडिया गठबंधन में आ गई है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे 2019 में, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो रिजल्ट तो वहीं आउट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे मैं क्या कहूं, अगर आप राहुल गांधी को ये सुझाव दे रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम मत लें आप इस तरीके से, और प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अरुण गोविल राम का फोटो लेके चल रहे हैं, और उस पर अगर इलेक्शन कमीशन शांत है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है? मैं कैसे मानूं कि ये जो मुस्लिम औरतों के साथ हो रहा है, ये मुसलमान मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए नहीं हो रहा है? ये कैसे मानूं मैं? कैसे मैं इस चुनाव आयोग को निष्पक्ष कैसे मानूं? निष्पक्ष होने के लिए आपको निष्पक्ष दिखना पड़ेगा। अगर आप एक कार्रवाई विपक्षी दलों के ऊपर कर रहे हैं, दूसरी कार्रवाई सत्तारूढ़ दल पर भी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, क्यों नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक हो सकता भाई? अमित शाह का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक हो सकता? क्यों? वो तो चुनाव में तो सब बराबर है, चुनाव में तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, सारे कैंडिडेट बराबर है। तो कैसे मैं मानूं इस बात को कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? तो फिर जब ये आरोप लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ये जानबूझ के की गई है गड़बड़ी, ये मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है, तो ये कैसे मैं मानूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? दूसरी बात कि हो सकता है कि उनके हिजाब है और ये महिला पुलिसकर्मी देखना चाहते हैं कि भाई कोई फर्जी मतदाता तो नहीं जा रहा है, कोई बुर्का पहन के पुरुष तो नहीं जा रहा है अंदर मतदान करने। तो वही राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम हिस्सों में महिलाएं लंबा घूंघट भी रखती हैं, क्या वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं आपके पास?
एक बात। दूसरी बात कि जब पोलिंग बूथ पे हम जाते हैं राजीव जी, उसके गेट पे ही चुनाव आयोग का एक व्यक्ति बैठा होता है जिसके हाथ में रजिस्टर होता है, जिसके हाथ में इलेक्ट्रल रोल होता है। वो आपका हमारा वोटर आईडी कार्ड देखकर ये बताता है कि आपका नंबर कितना है, किस कमरे में आपको जाना है मतदान करने, उसको उसको जानकारी होती है। उस व्यक्ति को मुझको दिखाना है अपना वोटर आई कार्ड, पुलिस वालों को नहीं दिखाना है। पुलिस वालों को ये अथॉरिटी नहीं है किसी को रोकने की, मतदान केंद्र में जाने की। पुलिस वाले वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, उसको रोकने के लिए वहां पे है। यानी चुनाव आयोग की जो टीम है वहां पे पोलिंग बूथ पे, उसकी मदद के लिए है वहां पे। वो चुनाव आयोग नहीं है, उनको अख्तियार नहीं किसी को रोकने का। जिसको रोकने का अख्तियार है उसको, उस व्यक्ति को है जो रजिस्टर लेके बैठा हुआ है, जिसके पास मतदाता सूची है, वो देखकर बता रहा है कि आपका नाम है कि नहीं है, और नाम है तो किस कमरे में आपको अपना वोट डालने जाना है, कोई स्कूल की बिल्डिंग है या जो कोई भी बिल्डिंग है वहां पे। तो ये सारी बातें बड़ी बेसिक सी बातें हैं, जिसका बड़ा खुला उल्लंघन हम तस्वीरों में होता देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से खामोशी है। उसकी तरफ से कोई एक बयान नहीं है, कोई एक ट्वीट नहीं है कि हम इसको देख रहे हैं, सब मतदाता निडर होके जाए, हमने व्यवस्था की हुई है, पुलिस वालों को अधिकार नहीं है वोटर आई कार्ड देखने का। बिल्कुल नहीं है अधिकार किसी पुलिस वाले को ये वोटर आईडी कार्ड देखने का अधिकार नहीं है, ना उसको रोकने का अधिकार है। वो अगर किसी को रोकना भी चाहता है तो चुनाव अधिकारी से पूछेगा, तो चुनाव अधिकारी ही उसको करेगा। अभी जिनका आप दिखा रहे थे कि जिन्होंने एक फर्जी मतदाता देने वाले व्यक्ति को पकड़ा, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को शिकायत की उन्होंने, उसके आदेश पे पुलिस वाले उसको बाहर लेके गए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि मतदाता घबराए नहीं, मतदाता जाए और वोट करें। और जो मतदाता सुन रहे हैं, भी आधे घंटे का समय है आपके पास मतदान केंद्र पहुंचने का, और अगर आप मतदान केंद्र पहुंच गए हैं तो रात के 9 भी बज जाए अगर आपका वोट पड़ेगा, तो निश्चिंत होकर मतदान केंद्रों में जाएं, अपना वोट डालें। पुलिस को अधिकार आपका मतदाता आई कार्ड पहचान पत्र देखने का नहीं है, वो इलेक्शन का अधिकारी जो है उसको है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत करता हूं अनिल जी इस कार्यक्रम में, और बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और हमारे साथ बुशरा जी जुड़ी हुई हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे। और चर्चा इस वक्त जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट फेज की पोलिंग, और इस फर्स्ट फेज में पिछली दफ़ा यानी 102 सीटों पर 2019 में जो चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में 40 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि कांग्रेस 15 सीटें ही जीत पाई थी, और डीएमके 24 सीटें उस समय जीती थी, 23 सीटें अन्य के खाते में। ये अन्य मिलकर जो अभी बात बता रहे थे प्रशांत टंडन जी की, अब इस बार ये मामला 2019 का ही, क्योंकि समीकरण कुछ चेंज हो गए हैं। उस समय इंडिया गठबंधन नहीं था, और न ही कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से थी, और इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी भी है, और कुछ एक गठबंधन ऐसे बने हुए हैं जिन सबको अगर जोड़ा जाए तो लगभग बराबरी बराबरी का मामला दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि उस समय मात्र 3 सीटें, पिछली बार अगर 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो 3 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी इन 8 सीटों में से। इस बार भाजपा का जोर है और कि किसी भी ढंग से अपने आंकड़े को दुरुस्त किया जाए, मजबूत किया जाए, क्योंकि 8 सीटों, और इन 8 सीटों से कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 80 सीटों का मामला है उत्तर प्रदेश का। एक ओपनिंग कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा तत्काल अनिल शर्मा जी, कि
इस चुनाव को जिसमें सबसे ज्यादा सीटों का आज पहला फेज सबसे ज्यादा सीटें हैं और यहां से आंकड़े बहुत कुछ कहेंगी कह देंगे जब आने वाला दूसरा फेज तीसरा फेज चौथा फेज होगा, लेकिन ईवीएम वीवीपैट भी संदेह के घेरे में, चुनाव आयोग से भरोसा कम होता हुआ, लेकिन चुनाव पर मतदान की प्रक्रिया और खासकर मतदान पर इस लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा है और इसीलिए दिखाई दे रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो हमेशा की तरह पिछली बार की तरह ही और शायद इस बार हो सकता है कि ज़्यादा ही रहे, पिछली बार से ज़्यादा रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल त्रिपुरा ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो नंबर वन नंबर टू पे आज अभी जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं। दक्षिण में भी देखा जाए तो तमिलनाडु जहां पर 39 सीटें और पूरी की पूरी 39 सीटों पे मतदान, उधर जम्मू कश्मीर में जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए तो जम्मू कश्मीर में भी अलग बात, लेकिन खासकर राजस्थान का जिक्र यहां करना चाहूंगा, 12 सीटों पे आज मतदान हो रहे हैं और राजस्थान में कुछ ऐसे भी विजुअल्स आए जहां पर कुछ समुदाय के लोग खासकर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन लोगों ने भी बहिष्कार की बात राजस्थान में भी की थी कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से भाजपा से कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता आ गए, सांसद आ गए। अब वहां पे राजस्थान से ही शुरुआत करना चाहूँगा कि वहाँ पर राजस्थान का माहौल क्या दिखाई देता है। 25 सीटें और 25 में से आज की तारीख में 24 सीटें भाजपा के पास हैं, क्या उम्मीद इंडिया गठबंधन को यहां करना चाहिए और क्या उम्मीद यहां पर आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल कर रहा है? राजस्थान अब के मुझे लग रहा है वोटिंग परसेंटेज भी देखें शायद अभी सबसे कम राजस्थान में हुई है 41.51%। मेरे पास जो फिगर है वो 41.5 के आसपास का फिगर है 3 बजे तक, और उसमें खास बात ये है राजीव जी कि जिन 12 सीटों पे चुनाव अब के हो रहा है उसमें से मैं मानता हूँ 8 या 9 सीटें अभी फंसी हुई हैं, मतलब ये डिक्लेयर नहीं कर सकते किस तरफ जा रहे हैं। एक बात मैं श्योर हूँ, अब के शायद 25-0 स्कोर राजस्थान में नहीं होगा जो दो बार से होता आ रहा है, चाहे वो 2014 हो तब अच्छे दिन थे उसके बहाव में सब बह गए थे, 2019 जब आया तब नेशनलिज्म राष्ट्रीयता की बात उठी उसमें भी बह गए थे। अब के मुझे लगता है कि 3 कम्युनिटी जो है वो मुझे अलग जाती हुई दिख रही है अभी, जो एक तरह से लामबंद हो गई है या कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हो गया है। एक है जाट जो कि करीब 14-15% के आसपास उनकी पॉपुलेशन है राजस्थान में और कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां वो डोमिनेटिंग फोर्स है। दूसरा नंबर है SC/ST, वो भी मुझे लग रहा है उनके दिमाग में एक डर उभरा जो वो बड़ा खुल के बोलते हैं कि अगर मोदी जी जीत गए तो क्या संविधान बदल देंगे, क्या हमारा आरक्षण बंद कर देंगे, ये जो चीजें हैं उनके दिमाग में उठी और वो उनको भी इंडिया एयरलाइंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए इलेक्शन रिजल्ट वो 4 जून को आएगा, अपन सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं अभी। इसके अलावा मुस्लिम्स 9% है, वो आप जानते ही हैं कहाँ वोट देते हैं, उस पर डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं सीट वाइज जाऊं, अगर आप मेरे से 12 सीट पूछें, जयपुर मैं मानता हूं बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित सीट है, तो जयपुर कभी भी एक तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है, और अगर ये मैं मान लूं कि बीजेपी जयपुर हार जाती है तो मानिएगा फिर तो 20 सीट इंडिया अलायंस ले जाएगा, मतलब जयपुर एक बिल्कुल गढ़ है आरएसएस का और बिल्कुल प्रो बीजेपी है। जयपुर के आगे चलते हैं जयपुर ग्रामीण जहां चुनाव है, वहां वोटिंग परसेंटेज कम है पर जयपुर ग्रामीण में लड़ाई तगड़ी है। इसके आप आगे आ जाएंगे शेखावटी बेल्ट पे, सीकर जहां सुमेधानंद जो बीजेपी के हैं स्वामी सुमेधानंद उनकी लड़ाई हो रही है अगेंस्ट अमरा राम CPIM, मतलब सर सॉरी सवरी से बोलते बोलते मुंह तक गया सॉरी इसका मतलब ये है कि वहां पे इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है जो कि बड़ा जुझारू नेता है, CPIM का बंदा है अमरा राम, बड़े जुझारू हैं। अगर आप आंकड़ा देखें फलौदी सट्टा बाजार का भी, उसमें भी वो आदमी पिछले 2 दिन के अंदर उसकी जो पैसे हैं वो नीचे गिर के इतने आ गए उससे पता लग रहा है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप सट्टा मार्केट वैसे भी देखें तो सट्टा मार्केट आज भी
पहले दो पिन चालू हुआ था, फिर तीन आया, फिर पांच आया। ये छठा मार्केट है फलौदी का, जिसको कई लोग बेंचमार्क मानते हैं कि फलौदी एक बेंचमार्क है। अभी वो पांच पे टिका हुआ है, इस पोलिंग के बाद क्या होगा वो बाद में पता लगेगा। चूरू, चूरू आप जानते हैं राहुल कस्वा जो पहले बीजेपी के सांसद थे, उनके पिताजी भी सांसद रहे थे, वो आपके कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्रिकेट में हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ये मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब राहुल कस्वा को कांग्रेस ने टिकट दिया। इसका कारण क्या है मैं आपको राजीव जी समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक सीट पर तो अपन बाद में बात कर सकते हैं। इसका कारण ये था क्योंकि जिन्होंने जो एलिगेशन राहुल कस्वा लगाते हैं वो लगाते हैं राजेंद्र राठौड़ ने मेरा टिकट कटवाया। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के एक बड़े स्टेट के लीडर हैं और उनका मानना है उन्होंने मेरा टिकट कटवाया, एलिगेशन लगाया उन्होंने कि मेरा टिकट कटवाने में इनका हाथ है। उसकी वजह से, और राजेंद्र राठौड़ का कहना ये था, वो डायरेक्टली नहीं बोलते पर उनके साथी ये बोला करते थे कि मेरे को तारानगर से चुनाव भरवाने में राहुल कस्वा का हाथ है। इस चीज ने जाटों को एकदम से कंसोलिडेट कर दिया कि हमारे आदमी का टिकट काट दिया गया बीजेपी के द्वारा। वो एक इस पूरे मैच का, इस पूरे इलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट है जिसने इंडिया अलायंस को एकदम से ऊपर ले आया। फिर फार्मर एजिटेशन बोलिए, महिला पहलवान बोलिए, वो जोड़ लीजिए, पर मेन पॉइंट ये था जो मेरे को समझ में आता है। गंगानगर में भी लड़ाई अच्छी है, ऐसे ही आप नागौर में आप देख रहे होंगे, वहां तो मैं वीडियो में देख रहा हूं हाथापाई तक हो रही है कई जगहों पे। वहां ज्योति मिर्जा लड़ रही है जो पहले कांग्रेस में थी, हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के उनसे। तो ओवरऑल मैं मानता हूं 12 में से करीब 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे दोनों का मतलब आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा, फंसी हुई सीटें हैं दोनों के लिए एक्सेप्ट फॉर जयपुर, जिसको मैं क्लियर बोलता हूं आज भी कि वो बीजेपी की तरफ जाती हुई मुझे नजर आ रही है और अच्छी मार्जिन से जाती हुई नजर आ रही है मुझे। बाकी सीटें 8 या 9 बिल्कुल फंसी हुई हैं आज की तारीख में। राजीव जी, कारण मैंने आपको 3 गिना दिए, 3 बड़े कारण मैं आपको गिना चुका हूं। पूर्ण बात आप कह रहे थे क्या, और इस पे हम आज चर्चा में करना चाहता था और अच्छा हुआ कि आपने शुरुआत कर दी। संविधान बचाओ, संविधान की बात, ये क्या गांव गांव तक ये बात पहुंच चुकी है? और जयपुर की बात आप जैसे कह रहे हैं अनिल शर्मा जी कि जयपुर अगर बीजेपी लूज कर जाती है तो इसका मतलब है कि वहां राजस्थान अपने आप में, लेकिन ये संविधान वाली बात जरा और बताइए कि क्या ये राजस्थान के गांव गांव तक ये बात पहुंच चुकी है? क्योंकि हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ये इधर उत्तर प्रदेश घूम के आए, बुशरा जी भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया भी घूम के आई हैं और ये लोग भी यही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी संविधान बचाव वाली बातें होने लगी हैं, राजस्थान में भी है क्या सर? बिल्कुल है सर, और ये ज्यादा है SC ST में, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि अपर कास्ट में है, SC ST में एक चीज अंडर करंट जिसको बोलते हैं वो चल रहा है धीमे धीमे, जिसमें वो बार बार बोलते हैं कि ये संविधान बदल देंगे। उनको संविधान से डर नहीं है, उनको डर है कि आरक्षण खत्म करेंगे या प्राइवेटाइजेशन करेंगे चीजों का जिससे हमें नौकरी ना मिले, ये एक जहन में उनके बाद बैठी है। और मैं कांग्रेस, पता नहीं मेरे को लगता है कई बार उनका इलेक्शनिंग बड़ी पुअर होती है, पर पहली बार एक नैरेटिव बना पाई और मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ रहा है। बताइए, वो खड़े होके बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ गए तो भी संविधान चेंज नहीं होगा, नहीं तो बोलने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं थी इस चीज को बोलने की अगर आप इतने श्योर थे, क्योंकि आपने क्या करा, अपने दूसरों लोगों से ये बात इंटरव्यूज में भी कहलवाई। मेरे को याद है शायद विवेक डिब्रॉय ने भी इस चीज के ऊपर बोला था। तो इन लोअर कास्ट में एक मैसेज गया, खासतौर से SC ST में, कि ये किसी भी तरह से आरक्षण को खत्म करने के चक्कर में है। वो बात आपको जयपुर में भी सुनाई दे रही है, गांव तो छोड़िए, जयपुर मैं मानता हूं बीजेपी का गढ़ है बिल्कुल, वहां पे भी ये मुद्दा बना है और लोग आके पूछते हैं संविधान को बचाना पड़ेगा इसलिए आपके मोदी को हटाना पड़ेगा। तो ये जो बुशरा जी ने देखा, प्रशांत जी ने देखा, वो मैं राजस्थान में भी फील कर रहा हूं, गांव में भी कर रहा हूं। और गांव में ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ना राजीव जी, वो जाटों की है, शेखावटी बेल्ट में जहां चुनाव हो रहे, वो जाट वैसे ही नाराज थे बीजेपी से। उनके साथ अगर दूसरी कम्युनिटीज मिल जाती हैं जैसे SC ST मुस्लिम, तो इंडिया अलायंस काफी
अच्छे विकेट पे आ जाता है फिर। और यही कारण है कि राजस्थान में मैं मानता हूं 25-0 स्कोर तो नहीं होगा, 20-5 हो सकता है, 18-7 हो सकता है, और अगर अंडर करेंट है इतना स्ट्रॉन्ग संविधान के अगेंस्ट में तो फिर कुछ भी हो सकता है। अनिल जी की ये चुनाव या पिछला चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सारे चुनाव अभी तक पिछले 10 साल में हम लोग देखते आए हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ती आई है, और ये चुनाव तो खुल के नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ रही है। उसके संकल्प पत्र के हर पन्ने पर मोदी की गारंटी है, बीजेपी की गारंटी नहीं है, तो एक तो साफ दिखाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या अभी वो जलवा बरकरार है जो 2019 में था, जो 2014 में था, और जो इन चुनावों में भी देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में? देखिए राजीव जी, मैं एक चीज बताता हूँ, आपने नरेंद्र मोदी की रैलीज बहुत कवर करी होगी, हमने भी राजस्थान में कवर करी है, वो कहाँ गए नारे मोदी 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 अब के कहाँ सुने आपने? जो भीड़ मोदी के आने पे नारे लगाया करती थी वो कहाँ थी? कम से कम मैंने राजस्थान में तो नोटिस नहीं करा कि कोई उनकी रैली में आके और मोदी 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 चिल्ला रहा हो, मैंने नोटिस नहीं करा, सही बता रहा हूं। तो मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं थी अब के जनता मोदी के प्रति, क्योंकि उनके लिए मुद्दे बने महंगाई, उनके लिए मुद्दा बना बेरोजगारी, उनके लिए ऐसे मुद्दे बने संविधान, ये मुद्दे बने, उसमें मोदी जी कहीं खो गए। अच्छा एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, ये गारंटी शब्द भी कहां से आया? ये गारंटी शब्द सबसे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत ने यूज करा था, आपको अगर याद हो विधानसभा चुनावों में, उसके बाद ये मोदी की गारंटी आ गई। आप अगर याद करेंगे तो उस टाइम पे यही था। अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूं, 2019 का चुनाव में बीजेपी को करीब 60% वोट मिले थे, और लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस को करीब 36% के आसपास वोट मिले थे, गैप बहुत बड़ा था क्योंकि राष्ट्रीयता एक मुद्दा था। 2018 का विधानसभा चुनाव अपन देखते हैं, गैप सिर्फ 2% का था, 1.5 से 2% का, मतलब कांग्रेस ने तभी रिकवर कर लिया था। अगर मैं विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट करता हूं तो कांग्रेस 11 सीट लाती है और बीजेपी 14 सीट लाती है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की हालत इतनी बुरी नहीं है। और कई जगह राजीव जी आप अचंभित होंगे, कई जगह लोग अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर नहीं है। उसका कारण है भजन लाल जी को बिचारों को कोई जानता नहीं है। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, वो सभाओं में जा रहे हैं। देखिए मैं वीडियो की वेरेसिटी को अपने लेवल पे ये नहीं कर सकता सही है गलत है, पर एक वीडियो आया जिसमें उनके पीछे लोग बैठे, वो लोग भीड़ उठ के जा रही है, भाषण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए, अगर आप हिंदू हैं तो आप बैठ जाइए, आपको महादेव की कसम। अगर ये हालत आपको राजस्थान में देखने को मिल रही है, इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा मैं राजीव जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक हमारे मीना लीडर हैं जो बीजेपी में बड़े स्ट्रांग हैं, किरोड़ी लाल मीना मिनिस्टर भी हैं, उनके अगर आपने वीडियोस देखे हो, 2-3 वीडियो के अंदर वो नाराज होकर चले गए कि मैं 24-25 लोगों के बीच में भाषण क्यों दूं, मतलब आप भीड़ भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी को नहीं समझा पा रहा हूं। तो क्या बीजेपी क्या अंडरकरेंट है? अगर अंडरकरेंट है जो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मतलब यह है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस जो भी आप बोलना चाहें, वो काफी फर्म फुटिंग पे है। पर मेरा मानना यह है आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि 12 सीट में से कितनी सीट आपको लगता है जो टफ फाइट है, तो मैं बोलूंगा 8 से 9। जीत हार मैं नहीं बता पाऊंगा राजीव जी, क्योंकि ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूं ना एस्ट्रोलॉजर हूं, पर यह बता सकता हूं सीटें फंसी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं या पूछना चाह रही हैं शायद? जी बुशरा जी, अनिल जी के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, विधानसभा का जब इलेक्शन था राजस्थान का तब भी काफी प्रोग्राम किए हैं मैंने, और अनिल जी इस सवाल से हमेशा बचते रहे लेकिन फिर भी फंस जाते हैं कि आखिर कितनी सीटों पर। हम हमेशा उनसे पूछते थे कि आप बताइए कि अभी की स्थिति आपको क्या लग रही है। तो अनिल जी फिर से आपको थोड़ा सा फंसाना जरूर चाहूंगी, इन 12 सीटों पर अभी फिलहाल आपको स्थिति क्या लग रही है, बीजेपी कितना
और इंडिया गठबंधन, क्योंकि वहां तो कांग्रेस ही है, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कितना, क्या स्थिति लग रही है, क्या विधानसभा के चुनाव के बाद वहां की स्थितियां कुछ बदली है, क्या लोगों को किसी तरह का कोई रियलाइजेशन है? मैं आपको इसका सीधा जवाब तो नहीं दूंगा बुशरा जी, आप हर बार मेरे को फंसाने की कोशिश करती हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो दिसंबर में चुनाव हुए थे असेंबली के, उसमें जब वजनलाल जी को चुना गया तो लोगों में एक रोष पैदा हुआ। ज्यादातर लोगों का कहना यह था हमने वजनलाल जी के लिए वोट बीजेपी को नहीं दिया था, ये बड़ा क्लियर एक मैसेज गया। फिर उन बिचारों को, उनकी भी गलती नहीं है, सीएम बने, उनको टाइम कितना मिला, 3 महीने 4 महीने, लोग काउंट करने लगे। अब आप कंपेयर करेंगे विद अशोक गहलोत या उनकी स्कीम्स, तो उनको टाइम नहीं मिला उसको देखने का, उसको इंप्लीमेंट ढंग से करने का। वहां वो एक तरह से थोड़ी बीजेपी मात खा गई, क्यों, अशोक गहलोत इतना सारा कर गए कि आपको उसकी बराबरी करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। वेलफेयर स्कीम्स इतनी लॉन्च कर गए, आप देखिए चिरंजीवी योजना पे अपन बात करते थे जब विधानसभा चुनाव में बात करते थे, 25 लाख की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, देखिए आज वो कांग्रेस मैनिफेस्टो का पार्ट है। अगर आप कांग्रेस मैनिफेस्टो पढ़ेंगे उसका पार्ट है वो, और वो पार्ट इसलिए बना क्यों अशोक गहलोत उसको राजस्थान में स्कीम को लाए। राइट टू मिनिमम वेजेस, ये भी आप देखिए पार्ट है एक तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो का। कौन आदमी लाया था ये, अशोक गहलोत लाए थे। किस आदमी ने सबसे पहले बोला था, मुझे आज तक याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अशोक गहलोत की जब अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे, वो पहले आदमी थे, मैं इस बात को वाउच कर सकता हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या सोचते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था इलेक्शंस को स्टेट फंडिंग से फाइट कराना चाहिए, मतलब स्टेट फंड करे, दोनों को बराबर पैसा दे, चुनाव लड़ो। उन्होंने ये सबसे पहले आदमी थे, इसलिए बेचारे वो तो फंस गए। आपको बुशरा जी पर यह जवाब जरूर दूंगा, 25-0 स्कोर नहीं होगा मुझे नहीं लगता, और आज की 12 सीट पे से अगर मैं बोल रहा हूं 8 से 9 सीट फंसी हुई है, तो आप मान के चलिए कुछ ना कुछ तो सीट आई, ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता बुशरा जी। जी अनिल जी, इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ जोड़ना चाह रही थी, सचिन पायलट फैक्टर आपको कितना बड़ा लग रहा है? मैंने देखा कई रैलियों में, कई जगहों पर मैंने देखा कि कंधों पर उठाकर उनको बहुत दूर तक कार्यकर्ता ही होंगे, समर्थक होंगे, वो लेकर गए, और वहां जिस तरह का रिस्पॉन्स था, जिस तरह की तालियां, जिस तरह के नारे लग रहे थे वहां पर, और सचिन पायलट लगातार जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या विधानसभा से लोकसभा में कोई फर्क आपको नजर आता है? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की केमिस्ट्री आपको पहले से बेहतर नजर आती है, और क्या उनका फैक्टर युवाओं पर असर करता हुआ लोकसभा के चुनाव में आपको नजर आ रहा है? देखिए भूषा जी, एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इन द माइंड, दिस इज नॉट द फाइट फॉर लीडरशिप नाउ। अब ये लीडरशिप की लड़ाई नहीं है सीएम कौन बनेगा, विधानसभा चुनावों में लड़ाई थी सीएम कौन बनेगा, अशोक गहलोत बनेंगे या सचिन पायलट बनेंगे, वो लड़ाई थी। अब के वो लड़ाई नहीं है, तो क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं पूरा। राजस्थान में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि जो सचिन पायलट ने अपने कैंडिडेट से या जो गुजर और मीना बेल्ट है उस पर कंसंट्रेट करा, और बहुत तगड़ा कंसंट्रेट करा। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं, वो जाट हैं बाय कास्ट, उन्होंने जाट लैंड को जिस तरह से कवरेज करा, बिसाइड्स कवरिंग अदर एरियाज, उन्होंने जाट लैंड को भी कवर करा। पायलट ने वो एरियाज कवर करे जहां जहां उनके लोगों को टिकट मिला, जैसे अनिल चोपड़ा जयपुर रूरल, बड़े यंग हैं, उनके लिए उन्होंने कई रैलियां करी, और टोंक सवाई माधोपुर उनका एरिया है वहां भी रैलियां करी, दौसा उनका एरिया है वहां भी रैलियां करी, क्योंकि राजेश पायलट दौसा से कड़े होते थे। अशोक गहलोत ने पूरा राजस्थान संभाला, तो वो करीब 55 के आसपास जगहों पर विजिट करा उन्होंने। तो आप देखिए अब के ये लड़ाई नहीं है, अब के ये तीनों ने अपना इतना हिस्सा बांट लिया, और मुझे लगता है आगे के लिए भी ये तय हो गया कि आप इस एरिया में आप अपने टिकट दीजिएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इस एरिया में मैं अपने लोगों को टिकट दूंगा, और रेस्ट ऑफ, मैं असेंबली की बात कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ द एरियाज में अशोक गहलोत देंगे। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये चुनाव में एक बहुत बड़ी बात है बुशरा जी, चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स बाय कांग्रेस हैज बीन बेटर देन बीजेपी एक्सेप्ट फॉर 2 सीट्स, मतलब इट इज मच बेटर देन बीजेपी। जो चॉइस ऑफ कैंडिडेट, आपने एक चीज गलत बोली, राजस्थान में इंडिया अलायंस है, क्योंकि एक सीपीआईएम का बंदा लड़ रहा है, एक आरएलपी का लड़ रहा है, एक बाप का लड़ रहा है ट्रैवल बेल्ट से,
और वो आदमी भी सीट निकाल सकता है, बाप वाला भी। तो इसलिए इंडिया अलायंस 3 सीट पे है, 22 सीट पे कांग्रेस है। जी राजीव जी, जी जी बिल्कुल 3 महत्वपूर्ण आप जो इनके घटक दल हैं उसका जिक्र आपने अच्छा किया, यहाँ आपने किया, क्योंकि 25 और 25 में से 3 और बहुत मजबूती के साथ यहाँ इंडिया गठबंधन की बात बाहर भी, यानी राजस्थान के बाहर भी खूब चर्चा है इस बार राजस्थान की, पिछली दफ़ा और इस बार में बहुत सारे फर्क दिखाई दे रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, जब हम लोग संविधान की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि आप जब रामपुर साइड में थे तब वहाँ भी शायद गांव-गांव में संविधान बचाओ वाली बातें चल रही हैं, इधर मेरठ से भी वही खबरें आ रही हैं, और क्या इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में भी नजर आता है, जैसे यहाँ अनिल शर्मा साहब कह रहे हैं राजस्थान में ये असर दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसका असर है। और बहुत एक बड़ी घटना हुई है आज ही, देखिए कि अभी अनिल शर्मा जी मोदी के बयान की जिक्र कर रहे थे, आज ही अमित शाह का बयान आया इंटरव्यू के दौरान कि वो आरक्षण बीजेपी खत्म नहीं करेगी, ये सफाई देनी पड़ रही है। ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? बहुत कुछ राजीव जी मीडिया के कैमरे के अलावा भी होता है इस देश में। 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाकर जलसे होते हैं, छोटी छोटी सेमिनार होती है 70-80-100-200-300 लोगों की, आसपास के मोहल्लों के गांव के शिक्षक या बुद्धिजीवी या एक्टिविस्ट उसमें भाषण देते हैं। ये पूरे देश में होता है, मैं जहां रहता हूं वहां 5-6 जगह हुआ है, 2 जगह तो मैं खुद गया था। तो अब पूरे देश में अगर ये हो रहा है और उस पूरे अंबेडकर जयंती में जो भाषण हुए हैं पूरे देश में हजारों जगह, उसमें यही बात हुई है कि संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना है। तो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, एक अंडरकरेंट इस तरह बना है, ये मीडिया ने नहीं किया है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। वो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जो हजारों सभाएं हुई हैं छोटी छोटी, अब हर जगह होती है, उत्तर प्रदेश के बिहार के छोटे से छोटे कस्बे में गांव में मोहल्लों में शहरों में सब जगह होती हैं बस्तियों में ये सभाएं, अकेले दिल्ली में सैकड़ों होती हैं। तो इससे एक संदेश चला गया है और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? इन्होंने राजीव जी बड़ा चाणक्य वगैरह की उपाधि इनको दी जाती है, इन्होंने 400 सीट को जस्टिफाई करने के लिए ये बयान दिलवाने शुरू किए अपने नेताओं से कि संविधान बदलना है तो 400 सीटें लाओ। वो उल्टा पड़ गया, एकदम उल्टा पड़ गया, और अब ये संविधान और 400 सीट का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो एकदम उल्टा पड़ गया इनके लिए। और एक बात और, अनिल जी चले गए शायद, उनसे पूछना चाहता था कि झालावाड़ के बाहर वसुंधरा राजे भी कहीं नहीं जा पाई, बाकी लोग तो जा रहे हैं। तो ये भी एक राजस्थान में बड़ा फैक्टर हुआ कि मुख्यमंत्री कोई पहचानता नहीं है, और जिनको पूरा राजस्थान पहचानता है वो अपने बेटे कंस्टिट्यूंसी के आगे कहीं गई नहीं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर राजस्थान में हुआ है जी। ये विजुअल जरा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये विजुअल जरा फुल स्क्रीन ले आइए, और इसमें ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। भनवाड़ा गांव में वहाँ की तस्वीर है, तपती दोपहरी के बीच ये मुस्लिम वोटर्स लंबी लंबी लाइनों में हैं, लगे हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर के ASP हैं अभिषेक सिंह, वहाँ पहुँचकर वोटरों का ID चेक कर रहे हैं, और ये एक मैसेज एक गया हुआ है कि इतने लोग जो हैं वो आए हुए हैं वोट देने के लिए। तो ये एक पोलिंग बूथ पे तपती दोपहरी में इतने लोग निकल के आए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग खासकर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, और वोट का अधिकार अपना और मत डालने के लिए, और सबके
वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो यहाँ चेक किए जा रहे हैं। आप देखिए सिर पे तपती दोपहरी, सिर पे गमछा रखे हुए, टोपी पहने हुए, गर्मी से बचने की कोशिश करते हुए महिलाएं आपको बुरके में दिख रही हैं, पुरुष हैं और तमाम जो वोटर्स हैं वो उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर का ये विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना है और हुसैनाबाद भनवाड़ा ये उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है हुसैनाबाद का। और अमलेंदु जी, इस एरिया को या यहाँ के लोगों को आप, और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इतनी संख्या में, इतनी गर्मी है उसमें यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं वोट देना है। जी राजीव जी, यहाँ ये भी है इतना लोग इकट्ठा, ये भी है कि यहाँ वोटिंग जो है वो धीमे कराई जा रही है और गर्मी में जो लोगों को खड़ा रखा जा रहा है धूप में, ये भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ जो है जानबूझ के देर की जा रही है। और एएसपी जो है अभिषेक सिंह वो खुद जो है खड़े होकर के यहाँ पर जो है एक एक उसको चेक कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है। और जो बार बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं ये वो आरोप है कि किस तरीके से यहाँ किया जा रहा है, कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है। लेकिन ये बताता है राजीव जी इसके साथ ही कि लोगों में जागरूकता है और ये भी जागरूकता है कि ठीक है मशीनें जो करेंगी वो करेंगी, हमें अपना काम जो करना है वो हम अपना काम करके आएंगे, मशीनों से जब होगा तब होगा हिसाब किताब, लेकिन अभी हमें जो अपना काम करना है वो अपना काम हर हाल में करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र संविधान बचाने का आखिरी मौका है। राजीव जी, इस लोगों की बात ये समझ में आ गई अच्छे तरीके से, इसलिए जो है लोग अच्छे तरीके से निकल के आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पारा जो है राजीव जी सर जो मई और जून में होता है वो इस समय अप्रैल में हो रहा है बिल्कुल एकदम, और इतने अधिक पारे में भी लोग किस तरीके से तपती दोपहरी में जो है वो लाइनों में खड़े हुए हैं और खुले धूप है एकदम बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ी धूप जो है उसके अंदर लोग बिल्कुल बिल्कुल तपती धूप है। और उसमें ये विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना आप जानते हैं, वहाँ मुजफ्फरनगर की तस्वीर और कोई छांव का इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि अब सोचिए कि अगर यहाँ बारिश हो रही होती तो फिर क्या स्थिति होती। धूप है, गर्मी से गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आप सिर पे टोपी पहन लेते हैं या गमछा रख लेते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही होती तो क्या करते ये तमाम मतदाता। और यहाँ बहुत धीमी गति से मतदान, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें भी हर उम्र के लोग यहाँ, पुरुष महिला सब दिखाई दे रहे हैं और अपने मतदान का, अपने अधिकार का यहाँ इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं। और यही तो लोकतंत्र है। ये तस्वीर इसलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है और जैसे जैसे शाम की ओर ये हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ लोग बढ़ चढ़ के इस लोक पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें आप तक और भी बहुत सारी हम तस्वीरें पहुँचाएंगे, तो बहुत कुछ यहाँ आप तक हम और भी पहुँचाएंगे। हमारे साथ तीन साथी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, बुशरा खानम जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे आप उस समय, माफी चाहूँगा रोक दिया था आपको, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं राजीव जी सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बहुत साफ है, दिखाई दे रहा है कि कैसे एक खास वर्ग को निशाने पर रखा जाता है सिस्टम के द्वारा, और ये पुलिस को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को ये सेंसिटाइजेशन करना चाहिए कि बतौर नागरिक, एक मुसलमान के, आदिवासी के, दलित के, जनरल कास्ट के, सबके अधिकार बराबर हैं। पुलिस होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लठैत हैं, आपको संविधान और कानून का पालन करवाना है वहाँ पर खड़े होकर। वोटर आई कार्ड चेक करना पुलिस का काम नहीं है, वो तब है जब उनको पोलिंग अधिकारी कहे कि भाई मुझे आपकी आपकी मदद की आवश्यकता, हमारे पास लोग कम है, वो भी सीमित अधिकार, केवल किसी को खदेड़ने का, किसी को भगाने का, किसी के अनावश्यक रूप से तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कि वो मतदान केंद्र को सुचारू रूप से चलाए। तो पुलिस को बहुत ही सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, पूरे देश की पुलिस को। आप देखिए किस तरीके से पुलिस जब किसानों का मामला होता है बेतहाशा लाठी चलाती है, बेतहाशा, जानवरों की तरह, क्योंकि उनको, उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वो बाउंसर हो। ये बाउंसर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ये कानून और संविधान के अंतर्गत ये काम करेंगे।
जो दिखाई देता है कई बार तस्वीरों में वो बाउंसर के रोल में दिखाई देते हैं पुलिस अधिकारी। ये बड़े अफसोस की बात है। क्या ये पुलिस अधिकारी जो मुस्लिम महिलाओं को चेक कर रहा है, क्या इसने किसी दूसरे वर्ग के लोगों को इसलिए चेक किया? मुझे नहीं लगता। अगर कैमरे के बाहर इससे बात कर ली जाए तो इसका जहर सामने आ जाएगा। दूसरी बात की एक मैं देख रहा हूं राजीव जी दूसरे मीडिया में, वो ये कि तेजस्वी यादव के बयान को भी बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने चिराग पासवान के की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए किसी के द्वारा, उसको लेकर उनका पहला वीडियो जो आपने दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा है। लेकिन जब बार बार सवाल पूछने लगे वही एजेंडा वाले, तब उन्होंने कहा कि बार बार मत पूछो। तब क्या चल रहा है जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, तेजस्वी यादव सवालों से बच रहे हैं। अरे पहला शब्द ही उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा है, उसको नहीं दिखा रहे। तो ये प्रचार जो है मीडिया के द्वारा जो है वो लगातार जारी है। सरकारी जो मशीनरी है वो किसका, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, चुनाव आयोग की आंखें बंद हैं, मतलब एक बड़ा अजीब। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। इतने लोग अगर लाइनों में खड़े हैं राजीव जी, तो ये लोकतंत्र के जीवित होने की गवाही है। और ये लोग जो धूप में खड़े होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे भारत में संविधान को जिंदा रखेंगे, यहाँ पे तानाशाही नहीं आने देंगे। ये कमिटमेंट जो लोगों का दिखाई दे रहा है वो ये कमिटमेंट है राजीव जी। एक ये कमिटमेंट होना भी चाहिए, और इसलिए क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करके आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। और ईवीएम को भी हराना है तो आपको ईवीएम में जो धांधली करने वाले लोग हैं खासकर कहें तो उनको अगर हराना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देना होगा। और कई बार ये बात इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान या जब जब ईवीएम की चर्चा हुई उस समय भी हम लोगों ने कही कि ईवीएम की सेटिंग गड़बड़ी टैम्परिंग जो भी बात है उसमें सबसे ऊपर जो उठ के आता है उस पर अगर विजय प्राप्त करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और वोट डालिए। अगर आप निकल रहे हैं वोट डाल रहे हैं आपके एरिया में अगर वोटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं निकल रहे हैं वो जाइए वोट डाल के आइए, अभी भी वक्त है। कई जगह जैसे उधर मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारे राज्य जहां जहां आज मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, 4 बजे तक वोटिंग थी। छत्तीसगढ़ का बस्तर, ऐसे ही उधर उधमपुर, बहुत सारे जम्मू कश्मीर का जहां 4 बजे तक पोलिंग और 4 बजे तक, अब चूंकि 5 बज चुका है तो उधर की पोलिंग समाप्त, लेकिन अभी भी कई जगह 4 बजे नहीं बल्कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है। और एक बात ये ज़रूर याद रखिए कि शाम 6 बजे तक भी अगर आप लाइन में लग गए तो ये नियम है कि आखिरी लाइन, भले वो आखिरी आदमी, उस लाइन का आखिरी आदमी, आखिरी वोटर भले रात को 10 बज जाए लेकिन वो वोट डाल के ही जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, और अभी तो धीरे धीरे मौसम थोड़ा सुहाना होता हुआ दिखाई देगा, ठंडी हवा और उसके बीच ठंडक ठंडी सांस लेते हुए अपनी सरकार चुनने के लिए बटन दबाइए और बीप ज़रूर सुनिए और देखिए झांकिए कि क्या आपकी पर्ची गिर गई कि नहीं, ये भी ज़रूर देखिए क्योंकि यही तो कहानी है। इसलिए बुशरा जी, जिस तरह से लगातार राजीव जी हम अपने चैनल के जरिए मतदाताओं को न सिर्फ जगाने का काम कर रहे हैं बल्कि उनको अवेयर भी करा रहे हैं कि कैसे जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो कैसे होशियार रहे, सिर्फ एक खाना पूर्ति ना करें कि भाई आज का दिन है वोट डालने जाना है तो चलिए लाइन में लग गए और वोट आपने डाला, लेकिन आप पूरा प्रोसेस जो है उसको अपने आंख कान जो है बिल्कुल एकदम खुले रखकर, और खासतौर पर आंखें अपनी बिल्कुल एकदम खुली रखकर आप जो है अपना पूरे प्रोसेस को आप देखें, बटन दबाएं, आपने किस प्रत्याशी को किस पार्टी को आपने वोट किया है, आपके पास वो 7 सेकंड होते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, आप वो देख सकते हैं। और ये एक जागरूक मतदाता जो है वो इस तरह के काम जरूर कर सकता है, और जागरूक मतदाता ही है
जो इस कड़ी धूप में, इस दोपहरी में लाइनों में लगे हुए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो सकता है। इस देश का लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा, और उसी वजह से ये लोग लाइनों में लगे हैं, क्योंकि ये इनका दृढ़ विश्वास है कि अगर कुछ बदल सकता है, अगर हालात बदल सकते हैं, अगर नियति बदल सकती है, तो वो सिर्फ एक चीज से है, और वो है वोट से, जो लोकतंत्र, जो संविधान इनको अधिकार देता है, और उसी को बचाने के लिए ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं। राजीव जी, आप लगातार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की बात क्या वोटर करता हुआ नजर आ रहा है। मैं जितनी भी जगहों पर गई हूं अब तक, ये सवाल मैंने तमाम लोगों से पूछा है, और अगर मैंने ये सवाल नहीं भी पूछा है, अगर सिर्फ ये भी सवाल पूछा है कि किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, तो भी पहला लफ्ज उनके मुंह से संविधान आता है। यानी कि ये बात जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाना चाहता था, जो लोगों को जागरूक करना चाहता था, वो मतदाता जागरूक हुआ है, उसको ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव असाधारण चुनाव है, ये चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, पहले इससे पहले हुए तमाम चुनावों से ये चुनाव अलग है। अगर वो सत्ता परिवर्तन देखना चाहते, क्योंकि ये पता है कि लोकतंत्र और संविधान किससे खतरे में है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो वो वोट के जरिए ही इसको बदल सकते हैं। और ये तमाम कम्युनिटीज, अक्रॉस कम्युनिटीज, खासतौर पर मैं यहाँ पर दलित कम्युनिटी की बात करूंगी, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगी, और वो कम्युनिटीज जो बीजेपी को पहले उन्होंने वोट किया लेकिन अब वो वोट नहीं करना चाहते, उन सबका ये कहना है कि हमें जो अधिकार मिले हैं वो हमें संविधान ने दिए हैं। ये तानाशाही मचा रखी है, ये वर्ड लोग इस्तेमाल करने के, तानाशाही मचा रखी है। एक सरकार अगर लंबे वक्त से रहे तो वो उदासीन हो जाती है जनता के प्रति, उसको ये गुमान हो चला है, हो जाए, उसको कोई हटा नहीं सकता है, उसको ये गुमान हो जाता है कि वो कुछ भी करे ना करे वो सत्ता में वापसी करेगी। तो इसीलिए लोकतंत्र का ये नियम है कि आप बदलाव करें, आप जवाबदेह सरकार को बनाएं, और मुझे लगता है कि इस बार जनता सरकार को चेता रही है, सरकार को जवाबदेह बना रही है, इसलिए लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगी है। देखिए, पहले भी हमने देखा है 2014-2019 में भी देखा कि लोग कतारों में लगकर वोट करते हैं, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पुलवामा जैसा, राष्ट्रवाद जैसा, मंदिर जैसा, या ध्रुवीकरण का, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। एक अंडर करंट है, एक लहर है, एक खामोश वोटर है, जो खामोश वोटर हमें इन लाइनों में नजर आ रहा है, जो एक बदलाव चाहता है, वो वोटर यहाँ पर हमें लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी को लेकर अगर लोग कहें कि एंटी लहर नहीं है, तो प्रो लहर भी कोई नजर नहीं आती है। मोदी की जो रैलियां हैं उनमें मोदी मोदी के नारे नजर नहीं आते कार्यकर्ताओं के अलावा। उनकी रैलियां जो है वो उबाऊ है, उनके भाषण पकाऊ है, और वहां पर से वो विपक्ष को कोसते हुए नजर आते हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और यही वजह है कि आज जब चुनाव हो रहा है और जो सीटें जहां बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, अमरोहा से लगी हुई है, वहां पर प्रधानमंत्री अपनी रैली करते हैं। मैंने सुबह कहा था कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर रैली कर रहे होंगे, तो वो रैली करते हैं और वहां पर शहजादे फिल्म बना रहे हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। लोग, जनता बहुत अभी चेत चुकी है, बहुत जाग चुकी है, और उसी की वानगी हमें देखने के लिए मिल रही है। बुशरा जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक ट्वीट किया, देखिए ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जी हाँ, पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है भाजपा का, अखिलेश यादव लिख रहे हैं। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पीटे डायलॉग्स, भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अब नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई, और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन, ये कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो पहली लाइन है कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप, जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स, इसी डायलॉग की बात
बात हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी अभी कह रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण उसका जिक्र आ रहा था, इसलिए ये अचानक इस अभी अभी थोड़ी देर पहले आप देख लीजिए 4:57 पे अभी से लगभग 15 मिनट पहले का ये ट्वीट है अखिलेश यादव का, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट 15 मिनट पहले अखिलेश यादव, और सीधा सीधा देश की जनता को बधाई दे रहे हैं नई राजनीतिक चेतना के हिसाब से भी, और पहला दिन पहला शो जो है वो फ्लॉप हो गया है। प्रशांत टंडन जी, अखिलेश यादव आज गौतम बुद्ध नगर में थे, नोएडा में थे जी, और जो बात उन्होंने कही है राजीव जी कि कुछ समाजों ने परंपरा से हटकर हमको समर्थन दिया, वो राजपूत समाज के लिए कह रहे हैं, मेरे ख्याल से क्षत्रिय समाज के लिए कह रहे हैं। तो जिसकी चर्चा मैं दिन में और सुबह भी कर रहा था कि एक नया कॉम्बिनेशन जो पीडीए से आगे चला गया और वो वहीं पे जो चौधरी चरण सिंह ने बनाया था एक इक्वेशन वो बन गया है, उसमें प्लस मुस्लिम बहुत बड़ा सामाजिक आधार जो है वो बन गया है और इसका विस्तार हो रहा है। ये देखिएगा कि ये केवल इन 8 सीटों तक नहीं रुकेगा, अब यहाँ से ही आगे जाएगा। आज जो अब 5 बज चुका है तो पोलिंग अब ख़त्म होगी, जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वही वोट देंगे, लेकिन या 6 बजे तक शायद, लेकिन अगर 6 बजे तक है, 6 बजे तक तो, लेकिन अगर ये 8 सीटों के अलावा बाकी उत्तर प्रदेश में भी ये ट्रेंड जाएगा, राजस्थान में जो आज हुआ वो ट्रेंड जाएगा, जो बात आरक्षण की हो गई है वो अब सेटल हो गया, अब इसको केवल अगले 6 चरणों में मोदी साहब केवल इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। और आप देखिएगा कि राजनीतिक विमर्श बहुत नीचे तक गिरेगा,